भैया जी नमस्ते। जी नमस्ते भैया। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ भैया, बिल्कुल ठीक आ रही। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरैना, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, मध्य प्रदेश। सर, जैसा कि आपने विचार रखने के लिए कहा है कार्यशाला के माध्यम से जो प्रस्ताव है, मेरे जो पहले विचार थे और अब है, उनमें अंतर क्या है? सर, सबसे पहले तो बता दूं कि आनंद संस्थान में मैं जुड़ा तो बहुत पहले से था, लेकिन अब इस कार्यशाला में, यूएचबी में मेरा पहला सेमिनार है, पहली बार भाग लिया है मैंने। और इसके कुछ जो शब्द थे वो प्रचलन में तो पहले से भी मैं जानता था, उन शब्दों के बारे में सुना था, लेकिन उनका वास्तविक रूप में अर्थ क्या है और हमारे जीवन में उनको बोलने से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है और स्वयं के जीवन में क्या महत्व रहता है, उनकी समझ मुझे अब प्राप्त हुई। हालांकि कल मैं पूरे समय नहीं रह पाया, थोड़ा सा ट्रेनिंग थी मेरी चुनाव में, इस वजह से। तो कल एक तो आपने कहा कि इन 4-5 दिनों में इसका कोई प्रयोग हुआ कि नहीं, तो मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों एक कार्यक्रम में गए थे, मैं पहले आ गया और रात शाम को वो लेट हो गई। मैंने फोन पर पूछा कब आ रही हो, कि थोड़ी देर से आ रही हूँ, उनके साथ और भी थे। तो पहले तो मेरे मन में मुझे गुस्सा भी आया, मैं देखो मैं यहाँ भूखा हूँ, उन्हें ध्यान ही नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि स्थिति देखनी चाहिए और सामने वाले की योग्यता उस लेवल पर है कि नहीं, तो उस क्रम में मुझे ध्यान आया, मैंने वो तो मैं फालतू में गुस्सा कर रहा हूँ बेवजह, लेकिन वो तो दूसरे के आश्रित है, जब दूसरा व्यक्ति आएगा तभी तो वो आ पाएंगे। और तुरंत मेरा गुस्सा शांत हो गया। तो ये प्रयोग मेरे साथ कल ही घटना घटी है और कल ही मेरी समझ में आया कि वास्तव में हमारे आसपास का जो वातावरण है, परिस्थिति है, सामने वाले व्यक्ति से हमने कुछ कहा और हमने उससे अपेक्षा की, वो अपेक्षा को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा, इस बात का हमें ध्यान वास्तव में रखना चाहिए, जैसा कि कार्यशाला में बताया गया। शुरू प्रारंभ में जब मेरे विचार थे, बदलाव जो देखने को आया, तो एक तो सर 4-5 दिनों में मैं बात किसी बात पे जो मुझे गुस्सा आती थी वो मुझे कम हुई है, मन को शांति भी मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि मेरे स्वयं के स्तर पर परिवार के लिए, संस्था के लिए, समाज के लिए और प्रकृति के लिए, तो स्वयं में तो व्यक्ति बदलाव करना आसान है, जैसा मैं अपने लिए सोचता हूँ, तो अपने लिए तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ और मैंने धीरे धीरे 4-5 दिनों में जितना भी ले पाया, लेकिन आमने सामने अगर होता तो और अच्छी तरह मैं इस बात को और अच्छी तरह समझ पाता, तो मुझ में तो स्वयं बदलाव हुआ है, ये मुझे विश्वास है, मुझे दिखाई भी दे। परिवार की बात करें तो परिवार में भी सबको लेकर के जो सोच थी, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, क्योंकि मैं परिवार में बड़ा हूँ, मुझसे एक छोटा भाई है, एक बहन है, तो कोई काम नहीं कोई कर पाए तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरी बात नहीं मान रहा छोटा भाई और इसने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन जब तुरंत ही मुझे बात ध्यान में आने लगी अब कि भाई इसका इस कार्य को करने की इसमें योग्यता है कि नहीं है, भाई योग्यता इसकी नहीं है और मैं इससे अपेक्षा कर रहा हूँ तो ये तो गलत है, और फिर मुझे अगर अपेक्षा करनी है, इसको बराबरी में लाना है, तो इसकी योग्यता मुझे बढ़ानी पड़ेगी, इसको समझाना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बढ़ा है। संस्था में छात्रों के लिए भी बिल्कुल यही उदाहरण सामने आया कि कोई छात्र है, मैंने उसको खड़ा किया क्लास में और उसे पूछना शुरू कर रहा हूँ और वो नहीं बता पा रहा। अमूमन ये स्थिति आती थी, उसको चिल्ला के बिठा देते थे और कई शिक्षक या मेरे साथियों, मैंने भी एक दो बार ऐसा किया है कि उसको डांट के बिठाया कि चुप, तुझे कुछ नहीं आएगा, बैठ जा। लेकिन अब मुझ में जो बदलाव दिख रहा है, अगर ऐसी स्थिति आएगी या ऐसा प्रश्न मेरे साथ, निश्चित तौर पर सभी छात्र नहीं होते, आएगा, तो उसमें मुझे तुरंत ये बात ध्यान करने मेरे दिमाग में आएगी कि पहले मैं इसकी समस्या सुनूं, अलग से बिठाऊं और इसको इस लेवल पर लेके आऊं जो अन्य छात्रों के साथ बराबर खड़ा होकर के प्रश्न का उत्तर दे पाए। तो संस्था के लिए भी मैं कुछ न कुछ इस कार्यशाला के माध्यम से परिवर्तन करूंगा और लाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, जो परिवार, संस्था और समाज, समाज में भी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसे रहना है, समाज के साथ जीना है, सामाजिक संबंधों को लेकर के चलना है,
तो सामाजिक संबंध आजकल टूटते जा रहे हैं। कार्यशाला में भी बताया था कि वास्तव में जो संबंध है वो संबंध टेक एंड गिव का रह गया है, और टेक एंड गिव का संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं चल। तो इस विषय को लेकर के भी संबंध स्थापित जहां होंगे, तो अब पहले से मेरे जो संबंध थे उन संबंधों में निश्चित रूप से एक स्पष्टता आएगी, और जो स्थायी संबंध के रूप में मैं सामाजिक संबंधों का निर्माण कर पाऊँ। सर, यूएचबी के संबंध में जो योजनाएं थीं, कि जैसा कि कल हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कैबिनेट में कहा है कि आनंदक संस्थान को लेकर के कार्य योजना बन रही है और जगह जगह पर आनंद घर बनाए जाएंगे, ये तो स्वागत योग्य है। और आज के समय में जो राज आनंद संस्थान की पहल है वो सराहनीय है। शाम को मैंने अभी तक चारों असाइनमेंट भी किए हैं, तो उनके द्वारा भी मुझे लाभ मिला है और मैंने नोट भी किया है। और मैं आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप के सानिध्य में जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है पूरी टीम के साथ, उनके साथ रूबरू होने का भी मुझे मौका मिले तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि जितना दिया गया वो पूरा तो ग्रहण नहीं कर पाया, लेकिन योग्यता के अनुसार 60-70% मैंने समझ पाया हूँ। और उम्मीद है कि अगली जो कार्यशाला होगी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूंगा और प्रयास करूंगा कि पूरी तरह से। जी सर, जी राकेश जी, बहुत काफी अच्छे से आपने अपनी बात रखी है, काफी अच्छे से आपने पूरे विस्तार से उसको समझा है। तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, हम सभी लोग उससे गुजर रहे हैं, तो जी इसको हम जांचते परखते रहें और समझने का काम जारी रखें, और जितने भागीदारी हमको बनती है जिस स्थान पर है उसमें अपनी भागीदारी बनाते रहें, बिल्कुल यही। बिल्कुल जी, धन्यवाद राकेश जी। जी, धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूँ रिजवाना खान जी हैं क्या? रिजवाना खान, अच्छा, अमिता होसले जी। हाँ जी सर, सर नमस्ते, रिजवाना जी, रिजवाना जी बोलिए। रिजवाना जी को सुन लेते हैं फिर अमिता दीदी। जी एक्चुअली मेरा माइक कान में उठा है उस टाइम पे। जी सर, मैं बताना चाहूंगी मेरा परिचय। मैं रिजवाना खान शिवपुरी जिले से हूँ और मैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय बदरवास में कार्यरत हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। सर, मैंने अपनी व्यक्तिगत तो उपलब्धि मेरी मैं क्या बताऊं, मेरे बहुत सारी चीजों में जो कमियां थी, या ये कहो कि मैं खुद भी नहीं परेशान हो जाया करती थी एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन। सबसे पहले तो कल एक जो मैंने फैमिली ग्रुप में एक अपना कंसेप्ट भी रखा था कि मैं एक व्यक्ति को लेकर कृतज्ञ भी हूँ और उसी व्यक्ति को लेकर मैं परेशानी का भाव भी महसूस करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा रिश्वत टाइप का मैटर उनका रहता है। और मेरे साथ क्या हुआ, कल ही के कल उनका फोन आया कि मैडम हमने आपका ये काम कर दिया है। और चूंकि क्या था, स्कूल के चूज में मेरा जब एक्सीलेंस में हो रहा था तब काउंसलिंग में स्कूल चूज करने की कंडीशन में उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मेरे बिना पूछे की थी, तो मैं उस चीज को लेकर बहुत कृतज्ञ थी। लेकिन चूंकि उनका एक नेचर है कि वो किसी भी काम को करते हैं तो उन्हें कुछ सुविधा शुल्क टाइप का लगता है, इस चीज को लेकर मैं उनसे हमेशा नाराज ही रहती हूँ। तो कल एक फोन कॉल था प्रिंसिपल सर का, मैंने उन्हें फॉरवर्ड किया, मैंने कहा मैम मीट रिजवाना जी, करनी मुझे है। लग रहा है कि इसको अपन ये जो कार्यशाला से अपन ये जो अपनी डिस्प्ले किया है कि क्या तीन प्रमुख प्रस्ताव जिन्हें आप जांच पाए, प्रयोग कर पाए। हाँ सर, मैं वही बता रही हूँ सर, वही है जी सर, ये जी संक्षेप में तो सभी हाँ लोगों सर, को मुक्त मिल जाए। जी जी सर। तो वो एक्चुअली क्या था, वो दोनों भाव थे ना सर, मेरे जो कृतज्ञ वाले और इसके लिए अभाव वाला जो भाव आ रहा था मेरा कार्यशाला में को लेकर मैं परेशान भी थी, और जो मैम थी कल हमारे साथ उन्होंने आंसर भी दिया। लेकिन सर मैंने इसको व्यक्तिगत अनुभव किया कि जब उनका फोन आया मेरे पास तो मैंने उस चीज का आंसर सर बहुत अच्छे से दे पाई हूँ मैं उस चीज के लिए, कि मुझे मतलब मैं जो कंफ्यूज रहती थी कि अगर ऐसा करूंगी तो गलत होगा, ऐसा करूंगी तो गलत होगा, सर इस चीज को लेकर भी मैं, तो एक भाव मेरे अंदर ये आया है। दूसरा भाव मेरे अंदर ये आया है कि प्रकृति को लेकर जो सचेतता हमारे अंदर है, कि जैसे कि मैं ढाल चाल देती हूँ ये चीज के, ये चीज काम हमारा नहीं है, ये काम इसका है, ये काम इसका है, तो सर उस चीज को लेकर सर मेरे अंदर एक भाव आया है इस कार्यशाला को अंदर, के जो कुछ भी है सबसे पहले मुझे स्वयं से शुरू करना है, मेरा स्वयं का है। तो एक भाव मैं अपने अंदर ये समझ पाई हूँ। एक कंसेप्ट मेरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, शायद मेरी योग्यता की कमी है, समझ की कमी है।
मेरा स्नेह और प्रेम को लेकर कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ उसको समझने की, क्योंकि मेरी योग्यता की, मेरी समझ की कमी के कारण ही मैं उसको नहीं स्वीकार कर पा रही हूँ कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। पहले मेरे जो विचार आते थे, जो अगला टॉपिक है कि आपके पहले के विचार और अब के विचार, तो पहले जो मेरे विचार होते थे मोस्टली मुझे ये लगता था कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैं सही हूँ अपनी जगह पर, और जो दूसरा व्यक्ति है मुझसे जुड़ा हुआ तो मेरी वहां उसकी गलती हो सकती है, मोस्टली मेरे ये विचार रहते थे। पर इस कार्यशाला में जुड़ने के बाद जो मेरे विचार परिवर्तन हुए हैं वो ये हुए हैं कि जो कुछ भी प्रॉब्लम संबंधों में हो, उसके सारे भावों में हो, शुरुआत मेरे से होती है, तो प्रॉब्लम जब मेरे को हो रही है, मैं सहज स्वीकृति में नहीं हूँ, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी योग्यता जांचनी है, समझ विकसित करनी है। तो इस चीज को लेकर सर मैं इस कार्यशाला के बाद बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और अगला है ये कि प्रस्तावना प्रतिक्रिया में सार्थकता और जो संभावना देखते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर मैं जांचती हूँ तो मैं अपने आप को पाती हूँ कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी अभी बाकी है या मुझे करना है। तो सर एक ये मुझे नहीं लगता कि मैं इस टॉपिक को वर्ड्स में डिफाइन कर पाऊंगी, क्योंकि सर ये कंटिन्यूअस करने वाला वर्क है और मुझे करना है, प्रस्ताव को स्वीकार करना है, जांचना है और मानना है, इसके बाद अपने आप में मुझे स्वीकार करना है, अनुकरण करना है और अपने साथ अपने ही जैसे और लोगों को लेकर उसको चलना है। यूएचबी के सर, यूएचबी से रिलेटेड मेरा पहला वर्कशॉप था और मैं जितना समझ पाई हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे इस ट्रेनिंग में जोड़ दिया गया है, क्योंकि पाठ्यक्रम को लागू करना है 9 से 12 तक। और फिर पहले दिन मैंने अपने प्रिंसिपल सर को ऐसा बोला भी, प्लीज सर आप नाराज मत होइएगा, मैंने बोला सर आपने मेरे को गलत फंसवा दिया है और अब आप पाठ्यक्रम लागू होगा और सारी जिम्मेदारी अब आप मेरे को दे देंगे। जो फर्स्ट डे मेरे को ये चीज समझ में आई, लेकिन सर इससे जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि रियली मेरे वर्ड्स बहुत गलत थे और यूएचबी आरएएस हमारा जो आनंद संस्थान जो वर्क कर रहा है सर, वो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो वर्तमान में है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं खुद भी अपने क्लास में एक चीज नोटिस करती हूँ कि छात्रों के बीच में जो अनुशासन है वो सर टोटल खत्म हो गया है। जब मैं वर्कशॉप वहां से लौटी अपना आनंदम सहयोगी का ट्रेनिंग करके, और मेरी जब इलेक्शन उसमें ड्यूटी लगी एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम चल ही रहे थे, तो मैंने बच्चों से सिर्फ एक ही बात कही, सर आप यकीन नहीं मानेंगे उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट आया। मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा अगर बेटा आपको आगे कुछ बनना है तो चीटिंग मत करना, बात भी मत करना, चीटिंग तो अलाउड होती ही नहीं है, बात करते हैं वो लोग आपस में, और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ हमें इसी एग्जाम में पास होना है और आपको ये सब लगे तो कर लेना, मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगी। सर आप यकीन नहीं मानेंगे। रिजवाना जी, आप सर अपनी बात बताइए जो आपको इस कार्यशाला में कुछ ध्यान आया हो तो, है ना सर, तो मुझे मतलब लेकर बहुत सारी चीजें लगी सर, जो और इम्पोर्टेंट बातें ध्यान आई है उसको ब्रीफली रखिए। जी सर, एक्चुअली सर सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट थी सर, संबंध को समझना, स्वीकृति को समझना सर, सहज मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या ध्यान आया, आपने क्या प्रयोग किया, आपने क्या समझा, है ना, तो वो स्पेसिफिक बताएंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। सर स्पेसिफिक मेरे लिए सिर्फ इतना ही है सर, उसको तो फिर मैं बहुत छोटे वर्ड्स में कह सकती हूँ कि सर मुझे अपनी समझ विकसित करनी है और उसको वहां तक ले जाना है कि मैं उसको सहज स्वीकृति में स्वीकार कर सकूं। बस अभी इसको लेकर मुझे अपने ऊपर प्रयोग करने हैं या स्वीकार करने हैं सर। जी जी, बहुत अच्छा आपने रिजवाना जी अपनी बात रखी। अब मैं अमिता होसले जी का हैंड रेज, अमिता होसले जी अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। धन्यवाद सभी को मुझे मौका देने के लिए। मेरा संक्षिप्त परिचय सर, अमिता होसले, मैं सहायक प्राध्यापक हूँ शासकीय अरण्य भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैयर में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सर। और ये तीन प्रमुख प्रस्ताव जो जांचे गए हैं, जांचे गए में सर पुराने भी हो सकते हैं जो मैंने एनालाइज करे हैं आपसे जुड़कर, और ये मेरा पहला यूएचवी का वर्कशॉप था
तो सर आपने से तुलना करना, मेरा आपने फर्स्ट टाइम जब असाइनमेंट दिया था तो जो पहला था आपका कि सुखी रखने वाली चीजें और आपको दुखी रखने वाली चीजें, तो उसमें मेरा दुखी में सर तुलना मैं बहुत ज्यादा करती थी लोगों से, और ये अभी अभी मेरे अंदर ये भावना आई थी, और आपको जान के खुशी होगी कि ये मुझे पहले नहीं था, जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई, ये इसको मैं उससे कनेक्ट करूंगी, जब भौतिक सुविधाओं के पीछे भागना सर ने बताया था कि हम जरूरत से ज्यादा स्टोर कर लेते हैं हमारी चीजें, जैसे कपड़ों को लेके हो सकता है या और भी भौतिक सुविधाओं को लेके, तो सर मेरे पास में ज्यादा लिमिटेड कपड़े होते थे और मैं ज्यादा इन सब चीजों पे नहीं मतलब स्पेंड करती थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी मैं टॉपर थी सर, हमारे यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था कॉलेज में, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि आज थोड़ा ढंग से कपड़े पहन के आ जाना चाहिए था, आज तो सेमिनार है, लेकिन सर मैंने सोचा कि मेरा तो नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कपड़ों से क्या होता है, तो मुझे स्टेज पे बुलाया गया था, जो भी बाहर से लोग आए थे उनका सम्मान करने के लिए और मेरा परिचय वगैरह दिया गया था, तब मुझे भी ये लगा, तब मैंने ये जांचा कि मैं पहले ऐसी थी, तो मुझे दोबारा से मतलब जब मेरी जॉब नहीं थी तो मैं थोड़ा ये सुविधाओं वगैरह के पीछे नहीं भागती थी और तुलना नहीं करती थी, मुझे दोबारा वैसा होना पड़ेगा, ये मैंने एक प्रयोग करा सर। और दूसरा प्रयोग ये कि जैसे अभी मुझे रिलीव नहीं किया था, तो पहले मेरे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि मैं इसको 100% नहीं दे पा रही हूँ, मुझे दो दो जगह काम करना पड़ रहा है, लेकिन सर मैंने उसको बहुत पोलाइटली लिया और सर से भी इसके बारे में डिस्कस किया और बहुत शांत मन से मतलब सारी बातों को समझा और सर को समझाया, तो उन्होंने भी मुझे अलाउ कर दिया कि मैं क्लासेस अगर नहीं लेती हूँ और कॉलेज में आके भी अगर मैं करूँगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अगर आप ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं तो मतलब सहजता से जो भी आप बात करेंगे जो मतलब स्वीकार्य होगा तो वो हमेशा आपके बेनिफिट के लिए ही होता है। और परिवार में भी सर मैंने बहुत चीजें देखी कि अगर मैं आवेशित होकर मतलब अपना रिएक्शन दे देती थी किसी भी बात को लेके पहले ही, तो वो मैंने देना थोड़ा बंद कर दिया, थोड़ा टाइम लेके सोचती हूँ कि ना इसके पीछे क्या कारण हो सकता है अगर सामने वाले ने कोई बात बोली है तो। और प्रकृति को लेके भी सर मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आपने मन में डाले हैं, जैसे अब मैं थोड़ा मतलब इसके बारे में सोचने लगी हूँ कि प्रकृति के बचाव के लिए मैं अपने स्तर पे क्या कर सकती हूँ, सामाजिक स्तर पर क्या कर सकती हूँ। और सर जैसे आपके विचार पहले और अब, तो सर पहले मेरे विचार अच्छे थे लेकिन कुछ समय बाद मेरा थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो मैं मतलब विचार थोड़े से अशुद्ध हो गए, उनको मैं ठीक करना चाहती हूँ, जैसे जो भी मेरे को मोह होता है किसी भी चीज से वो मोह त्यागना चाहती हूँ और बैलेंस बनाना चाहती हूँ लाइफ में, और जरूरत के अनुसार ही जो भी मेरे को सुविधाएं हैं उनको मैं स्टोर करना चाहती हूँ और ज्यादा नहीं रखना चाहती अपने पास अब। और सर आपने बताया था मनुष्य का उभय सुख और प्रकृति के साथ उभय समृद्धि, तो अब मैं सबको साथ लेके और सबके साथ मतलब जैसे बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो मैं उस तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ सर, तो अभी मेरे विचार अब इस तरह से हो गए हैं। और इस प्रस्तावना और प्रक्रिया में आप जो सार्थकता और संभावना देखते हैं, हाँ सर सार्थकता तो है और संभावना भी बहुत अच्छी है, जैसे बोलते हो कल्पनाशीलता ना, तो कल्पनाशीलता में सर आप जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो आपके व्यवहार और कार्य में भी वो झलकता है, तो आपका जितना भी सुख दुख है वो या तो आप स्वयं के स्तर पर हो, आपके परिवार और समाज में प्रकृति में, आप जैसा सोचोगे जैसा करोगे वैसा जो आप अपने दिमाग में चला रहे हो वही आपके सुख का कारण भी बनेगा और आपके दुख का कारण भी बनेगा, ये दोनों चीजें मैंने देखी है सर। फिर UHV के संबंध में आपकी विशिष्ट प्रतिबद्धता और योजना है, तो सर मेरा अब ये मानना है कि मैं जो विचार अपने अंदर अब ला सकी हूँ, तो अभी मैं इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो एक साथ में कितने अच्छी अच्छी बातें उन लोगों को बता सकती हूँ और फिर वो ये बातें ले जाके अपने परिवार में बताएंगे, तो ये चेन चलती चली जाएगी ना, तो बहुत सारे लोगों में ये अच्छी अच्छी बातें एक साथ आएंगी। फिर मैं मतलब चाहती हूँ सर कि जो भी आपने मुझे सिखाया है ना 5 दिनों में, तो इसको मैं भूलू नहीं, इसको मैं अपने कंटिन्यूटी में रखूँ और इसको डेली लाइफ में रोज नई नई प्रैक्टिस करती रहूंगी, मतलब जो जो मैंने सीखा है, क्योंकि सर मैंने बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स भी पढ़ी है, जैसे डेल कार्नेगी की है How to Win Friends and Influence People, तो उसमें ये बताया गया था सर कि
वैल्यू देना चाहते हो तो उनके नाम याद रखो, नाम से उनको है ना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हो तो शहद की छत्ते पे आपको पत्थर नहीं मारना है, इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई थी। तो आपने भी मुझे है ना, मैंने इनको नोट करी एक डायरी में, और मैं इनको रोज जब भी बच्चों को पढ़ाऊंगी तो सब्जेक्ट से हट के सर मैं उनको कुछ अलग देना चाहती हूँ, जिससे कि उनका जो व्यक्तित्व है ना वो और परिपक्व हो सके। जैसे लोग कंपटीशन करते हैं ना, बच्चे कंपटीशन करते हैं तो उनमें पोषण या शोषण होता है, या फिर जो आपने बताया था कि वो अनिश्चित है, वो आज है कल नहीं भी होगा, लेकिन अगर वो श्रेष्ठ बनेंगे तो उनमें सहज स्वीकृति होगी और ये निरंतर चलता चला जाएगा। तो ये सारी अच्छी बातें मैं याद रखना चाहती हूँ सर। और बहुत सारे आपने जो नौ भाव बताए थे तो उसमें मेरे को सम्मान, श्रेष्ठता, प्रतिस्पर्धा सर, और ये प्रेम वाला भाव बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया था। तो जिसमें आपने कहा था सर परिवार में न्याय मिलता है, ये मेरा मतलब ये हो गया है कि मेरे को ये एकदम मन में ना बस गया है वाला वाक्य कि परिवार में न्याय मिलता है और कोर्ट में फैसला। तो आपको अगर कोई भी चीज का डिसीजन निकालना है ना तो उसमें आपको इमोशंस डालना पड़ेंगे, आपको उसको बहुत दूर दृष्टि लेके सोचना पड़ेगा, तब जाके उसका फैसला हो पाएगा सर। आप ऐसे हर चीज को ले जाके कोर्ट में नहीं रख सकते कि कोर्ट में फैसला होगा आपका, कोर्ट में न्याय नहीं होगा सर। ये मेरा मतलब मेरा खुद का सोचना है सर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया सर, इसको मैं कैसे कंक्लूड करूं, लेकिन मैं इसको कंटिन्यूटी में रखना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। जी जी जी, बहुत ही अच्छे से आपने रखा इसको अमिता जी। सर एक और चीज सर, एक लास्ट, आपने जो अभी अभी आज के सेशन में था ना सर कि ज्ञान तो हमारी मौलिक आवश्यकता है सर, तो ये मैं अभी भी जब से आपसे जुड़ी हूँ ना 4-5 दिनों में, तब से मेरे मन मन में एक ऐसा वाक्य आया कि आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, एक है सोने से लदा फदा है और एक आपका नॉलेजेबल पर्सन है, तो आप किससे बात करना पसंद करोगे? आप नॉलेजेबल पर्सन से बात करना पसंद करोगे ना सर। तो मतलब वो तो लॉन्ग लास्टिंग है ना ज्ञान, तो और जो आपका भौतिक सुविधाएं है जिसके पास में काफी रिच है, तो वो आज है, मे बी पॉसिबल कि वो कल ना हो, तो जो लॉन्ग लास्टिंग है आपको उसकी तरफ ज्यादा जाना है, ये मैंने सीखा है। दूसरा इसको थोड़ा ये अपने में भी देख लें कि अपन भी क्या चाहते हैं, तो वो ज्ञान अपने में सुनिश्चित हो जाए ऐसा, जो हम दूसरे से सोचते हैं कि वो ज्ञान वाले की तरफ आकर्षित होंगे, तो ये ज्ञान हमें भी सुनिश्चित हो जाए। और जी जी धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी रश्मि रघुवंशी जी, आपके पास माइक है, आप अपनी बात को के अंतर्गत कर सकती हैं। जी भैया नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती रश्मि रघुवंशी है, गणित की माध्यमिक शिक्षक हूँ और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। और मेरी इस कार्यशाला से व्यक्तिगत उपलब्धि ये है भैया कि सही समझ और सही भाव जो मुझ में था अभी तक, उसका सार भौमिक स्तर पर थोड़ा विस्तार देख रही हूँ और लगातार सीखने की कोशिश करूंगी। और दूसरी व्यक्तिगत उपलब्धि कि अभी तक सभी की मूल चाहना एक सी नहीं देख पाती थी, मुझे लगता था कि मूल चाहना में कुछ अंतर होता है, लेकिन ये क्लियरिटी अब आ गई है कि योग्यता उसमें देखना भी जरूरी है। और तीसरी व्यक्तिगत उपलब्धि कि सार्वभौम मानवीय व्यवस्था में अपने आप को मैं फिट पा रही हूँ, ऐसा मैंने इन 5 दिनों में मूल्यांकन अपना किया है। और तीसरा पॉइंट है कि पहले के विचार और अब के विचार, तो इसको थोड़ा सा मैं लाइटली आपको बता रही हूँ कि शिक्षा विभाग में, अशोकनगर शिक्षा विभाग की बात कर रही हूँ, तो पहले मैं सोचती थी कि जो शिक्षा विभाग का मैं शिक्षा का जो पतन कर रहे हैं और हर तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, तो इन्हें सजा जरूर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा विचार रहते थे हमेशा मन में। लेकिन अब इस कार्यशाला के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया है कि जैसा भैया ने अभी पिछले सत्र में बताया कि जेल में ज्यादा जल्दी सुधार हो जाता है, ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं, तो अभी थोड़ी मजाक के मूड में कह रही हूँ कि इन सबको जेल में रख के और फिर UHV टीम द्वारा मानवीय मूल्यों को सिखाया जाए और फिर वे अपनी मूल चाहना में वापिस आ जाए, ऐसा अभी सोच पा रही हूँ।
और चौथा पॉइंट है कि इस प्रस्तावना और प्रक्रिया में आप जो सार्थकता और संभावना देख रहे हैं, तो मैं प्रस्तावना और प्रक्रिया में वाकई में व्यक्तिगत, परिवार, संस्था और समाज, प्रकृति, हर स्तर पर इसकी सार्थकता है और इसमें मैं उभय समृद्धि की पूरी संभावना देख रही हूँ, बड़ी तेजी से देख रही हूँ। और पांचवा पॉइंट है कि यूएचबी के संबंध में, तो यूएचबी के लिए मैं हमेशा काम करती हूँ, मतलब स्वेच्छा से। ये आप लोगों से तो पहली बार जुड़ी हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन में एक प्रक्रिया में है यूएचबी। तो आप यूएचबी टीम के संबंध में मैं यही कह पाऊंगी कि अस्तित्व ने मेरी करुण पुकार सुन ली भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी, बहुत ही बढ़िया आपने वस्तु को रखा है। नेक्स्ट में मैं आमंत्रित करूंगा आरिफ खान जी हैं। आरिफ खान जी, मोहम्मद आरिफ खान जी, जी आपके पास माइक है भैया, आप बात कर सकते हैं। भैया अगला नाम भी बोल दिया करें कि आरिफ भैया। जी दीप्ति ठाकुर, दीप्ति ठाकुर जी, दीप्ति ठाकुर जी, दीप्ति ठाकुर जी और आरिफ जी, आप दोनों के पास माइक है, तो इन बिंदुओं के तहत अपनी बात को आप रख सकते हैं। बेबी राजा जी भैया, आरिफ खान जी अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो क्या मैं बात रखूं अपने लिए? आप अपनी बात रख लीजिए, फिर आरिफ जी से बाद में हम बात कर लेंगे, और अभी बेबी राजा जी भी तैयार रहे अपनी बात को रखने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक, नमस्कार सभी को, और मैं दीप्ति ठाकुर जबलपुर जिले से, बेसिकली मैं शिक्षा विभाग से हूँ, माध्यमिक शिक्षक हूँ और टूरिज्म डिपार्टमेंट की सिटी वॉक लीडर हूँ, और विगत 4 वर्षों से राजानंद संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, और अभी पिछले साल से जिला समन्वयक के रूप में जबलपुर जिले में राजानंद संस्थान के दिशा निर्देशों पर कार्य कर रही हूँ। और ये भैया यूएचबी का मेरा 4th प्रशिक्षण है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने बार मैं अटेंड करती आती हूँ उतने बार मैं अपनी समझ को शायद देख पाती हूँ और स्वमूल्यांकन कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ मुझ में कमी है, और बहुत संतुष्टि भी लगती है कि मैं उन चीजों को पकड़ पा रही हूँ जो मैं पहले नहीं देख पाती थी। तो जैसा कि आपने बताया है कि हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि इस 5 दिवसीय सत्र को लेकर, तो मैंने अपना स्वमूल्यांकन किया है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने कार्य ईमानदारी से कुछ जगह पे नहीं कर पा रही हूँ, जिसको मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है। और परिवार की जिम्मेदारी तो मैं बखूबी निभा रही हूँ, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैं सुविधा संपन्न तो हूँ, लेकिन इस 5 दिवसीय कार्यशाला में मैंने ये जाना है कि मैं सुविधा संपन्न हूँ लेकिन समृद्ध नहीं हूँ। तो मैं उस बिंदु पे भी अब काम करूँगी आगे। और इसके बाद जो मैंने नोट किया है वो ये कि आवेश में जब मैं कोई काम कर देती हूँ लेकिन सही समझ के आधार पे मुझे स्वीकृति तो होती है, उस समय स्वीकार भाव ये आ जाता है कि हाँ मैं इस जगह पे गलत हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब उसमें भी मुझे सुधार की आवश्यकता है कि ऐसा कुछ मैं करूं कि ऐसी गलतियां मेरे से एक पिरामिड की तरह कम होती जाएं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं उनको समझ नहीं पाऊंगी तो शायद वो गलतियां निरंतर चलती रहेंगी, क्योंकि अभी तक जब तक मैं राजानंद संस्थान से जुड़ी थी तो स्वीकारता का भाव तो था कि हाँ गलती मुझे दिखती है कि मेरे से गलती हुई है, और मैं उसमें अपोलोजाइज भी होती हूँ, रिग्रेशन भी होता है और सॉरी भी बोल देती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे उस पड़ाव से भी अब आगे शायद गुजरना चाहिए कि ऐसी गलतियां मेरे द्वारा ना हो। इसके बाद भी अब मुझे जो अभी इस बार जो मुझे बिल्कुल स्पेसिफिक लगा कि मैं जीव चेतना और मानव चेतना में अपने आप को देख के रख पा रही हूँ कि मैं कहाँ पर स्थित हूँ, कि अगर मैं उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पा रही हूँ तो मैं अपने आप को शायद जान नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं अपने आप को जान लूँ तो शायद मैं मानव चेतना के रूप में एक अपना प्रयास जो है वो कर पाऊंगी। इसके बाद भी है मुझे योग्यता में जो लगा कार्यशाला में, वो यहाँ पे संभावना ये लगी कि योग्यताएं जब हम आकलन कर लेते हैं कि अधिक हैं या कम हैं, तो शायद हम अपने समझ को विकसित कर पाते हैं और संबंधों को सुधार पाते हैं।
तो क्यों ना उस योग्यता को मैं पहचान सकूं। यहाँ पे थोड़ा सा भी मुझे और प्रयास करना है कि उन योग्यताओं को क्या मैं सही तरीके से देख पाती हूँ कि नहीं, कि सामने वाले की योग्यता मुझसे ज्यादा है कि कम है। अभी इसमें भी मुझे स्वमूल्यांकन की जरूरत है। और अंततः मैं धन्यवाद दूंगी पूरी आरएस टीम को और यूएचवी की टीम को, स्पेशली अर्गल सर को, प्रवीण सर को, भानु भैया को, कुमार भैया को, पांडे जी, दिलशाद जी, मैं बिल्कुल 5 सेकंड में बोल रही हूँ नाम, राजू लास्थाना जी को, इंद्रपाल सर को और पूरी यूएचवी की टीम को, कि 5 दिवसीय कार्यशाला को उन्होंने किसी ट्रेनिंग या एक उसके रूप में नहीं रखा है, ये एक वॉलंटियर वो रखा है। चाहते तो हम लोग इसमें माइक ऑन करके सिर्फ ईयरफोन लगा के भी वो कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से नोट डाउन किया है और उन चीजों को समझा है, ऐसा लगा है कि शायद स्वयं के अंदर खुदाई का काम चालू कर दिया है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति देती हूँ कि कोई भी कार्यक्रम अल्पविराम से संबंधित हो, राजानंद संस्थान का या यूएचवी से हो, तो मैं पूर्णतः अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाऊंगी। धन्यवाद आप सभी भैया और सभी हमारे जो जुड़े हुए साथी हैं पूरे जिले से, तो उनको भी धन्यवाद, क्योंकि उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। जब उनके प्रश्नों को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरे भी प्रश्नों के उत्तर हैं। तो सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। मोहम्मद आरिफ खान साहब हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मोहम्मद आरिफ खान भाई, मुक्ति राय जी हैं जी, आरिफ खान साहब का मुक्ति राय जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मोहम्मद आरिफ खान सर, शाहजहापुर से जी। सर आपकी जो वास्तव में कार्यशाला जो चली सर, बहुत अच्छी लगी। जितने भी जो है परेशानी थी, जो समस्या थी, जो भी अपनी जो बात रखना थी, वो अच्छे से आपके पास रख पाए। और कुछ प्रश्न तो ऐसे भी थे जो हम पूछना चाहते थे, लेकिन वो अपने साथीगण या फिर कोई भी जो भी महानुभाव के द्वारा वो हल भी हो गए। इसमें जो है कार्यशाला के माध्यम से जो व्यक्तिगत उपलब्धि है, जिसमें मानव, वास्तव में मानव जो है हर उससे सीखता रहता है, चाहे वो पेड़ पौधे हुए, चाहे वो प्रकृति हुई, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड हुए। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है सर, से जीवन भर चलती रहती है, ये मरने तक चलती रहती है, उसने कोई उम्र भी नहीं होती सीखने की। जब भी सीखें, कुछ ना कुछ नया जरूर इंसान सीखता रहता है। अभी क्या है सर, वास्तव में अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई थी, वजह थी उसकी पेड़ पौधे। वास्तव में इंसान जो है बहुत पौधे लगाता तो है, वृक्षारोपण भी करता है, बहुत अच्छे से करता है, फोटो खिंचवाता है, लेकिन उसके बाद फिर उस पर सुरक्षा उसकी नहीं कर पाता है। होता यह है कोई भी जो है पशु आता है या जानवर है, जो भी चार पैर वाले जो भी आते हैं उसको देखते हैं, वो खा के चले जाते हैं, फिर क्या करता है मनुष्य उसको खा जाता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कम से कम यह है कि जो भी हम पौधे लगाएं तो उसके कम से कम सुरक्षा के लिए इंतजाम भी होना जरूरी। अभी मैं स्कूल में भी देखता हूँ सर, कई बार मैं देखता हूँ तो देखते रहते हैं टीचर्स लोग भी, जो अपन कहते हैं ना सर, समझ है उनमें, ज्ञान भी है, लेकिन कम से कम उसका उपयोग नहीं कर पाते। बच्चों से भी नहीं कह पाते हैं कि कम से कम जाके उसको भगा दो। तो बड़ा दुख होता है सर, ऐसे ही विकास के क्षेत्र में। जी आर्य भी, अभी ना ये स्वमूल्यांकन की बात है ना, तो इसके कुछ बिंदु भी आपके सामने अभी स्क्रीन पर है ना, तो थोड़ा कम समय में ना अपनी बात को रख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है ना भैया। जी सर जी, थैंक यू सर। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर कार्यशाला आपकी। एक बात और सर कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यशाला है वो ज्यादा ऑफलाइन रहेगी, ज्यादा बेटर रहेगी, और बाकी सभी और जितने भी आपके जो ये कंटेंट में स्कूल में भी जरूर बच्चों के सामने रखने की कोशिश करूंगा सर। बाकी सर ठीक है, ओके, थैंक यू। जी जी नमस्ते। मुक्ति जी अपनी बात आप रख सकते हैं। जी सर नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर, जैसे कि जहाँ प्रश्न देख पा रही हूँ, मैं समझ रही हूँ मैंने कौन कौन से विषय हैं। मैं मुक्ति राय, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। कार्यशाला के माध्यम से क्या व्यक्तिगत उपलब्धि हुई, तो व्यक्तिगत उपलब्धि गिनाने जाऊंगी तो बहुत समय लगेगा। कुछ खास जगह पर मैंने खुद को जांचा कि जो सम्मान की बात हुई थी कि सम्मान सभी का जरूरी है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, और सभी में सम्मान उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में हम चाहते हैं। तो मैंने इस जगह जांचा अपने आप को कि मैं सही कहीं ना कहीं गलती करती हूँ कि सबको उसके
स्तर से उनका सम्मान करती हूँ। मानव परिवार समाज को आकलन भी मैं उनकी योग्यता के अधिकार पर करती थी कि वो खुद की योग्यता मैं ऐसी हूँ तो सामने वाला भी ऐसा ही होगा, उसको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहा, उसकी योग्यता का आकलन मैंने अभी तक नहीं किया और इसमें परिवर्तन करूंगी कि नहीं, जैसी मैं हूँ वैसे सब नहीं हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चाहना है, सबकी अपनी अपनी सहस्कृति है, समाज में सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सबका अस्तित्व है, उसे उसके प्रकार से ही आंकने की जरूरत है। और जैसे कि तीसरा सेशन था कि एक मानव चेतना में जीता हुआ मानव, इसमें तीनों दिशाओं में अपने का विकास करना है। यहाँ पर तो जीरो पर थी समय समझ संबंध सुविधा, तीनों पर अपने आप को जांचा परखा और बहुत गहराई तक देखा कि यहाँ पर शून्य पे है कि बहुत जरूरत है यहाँ पर। तो मैंने जैसे जब कोई घटना होती थी तो तुरंत रिएक्ट करती थी अपने हिसाब से कि नहीं ये मेरे हिसाब से गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसको मैंने जांचा कि नहीं इधर मैं गलत थी। किसी भी घटना पे प्रतिक्रिया करने के पहले हमें समझना है कि वो स्थिति क्यों ऐसी है और हम उस स्थिति में क्या सहज स्वीकार है, सामने वाले को क्या सहज स्वीकार है, उसकी मूल चाहना क्या है, मेरी मूल चाहना क्या है। बहुत जगह अपने को जांचा और जांचते हुए देखा कि जब घर में ही कुछ ऐसे संबंध है जो बहुत पुराने कड़वाहट से भरे रखे हुए हैं, उन पर मैंने काम करना बंद कर दिया था, तो उन संबंधों में कुछ समझ विकसित हुई, उस पर काम करना चालू किया। बदलाव मैंने यही देखा है कि जैसे सामने वाला क्या चाह रहा है और हम क्या उससे चाह रहे हैं, सुख की प्राप्ति हमें कहाँ होगी, इसमें बहुत गहरा काम करने की जरूरत है। सिर्फ खुद के विचार थोप देना, खुद की भावनाएं थोप देना, खुद की जरूरत थोप देना, ये कोई संबंध को आगे नहीं ले जा सकता। सुविधाएं संबंध समझ सबकी एक जैसी है, सुविधाओं का विस्तार करना है लेकिन जरूरत के हिसाब से। अभी तक मैंने सिर्फ सुविधाओं को प्राथमिकता दी थी कि बच्चों को पैसे की जरूरत है, बच्चे को पहनना अच्छा है, बच्चे को खाना अच्छा दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी कि बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ संस्कार और प्रेम और मौलिक जरूरतें क्या हैं, साथ साथ मौलिक भावनाएं क्या हैं। बच्चा भावना चाहता है, उसके बाद सुविधाएं चाहता है। यहाँ पर मेरी समझ विकसित हुई सर, कल्पनाशीलता में सकारात्मकता का बहुत बड़ा अनुभव किया मैंने कि मैं हमेशा नेगेटिव विचारों को ही देखती थी कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा इसलिए मुझे भी ऐसा करना है। तो यहाँ कल्पनाशीलता पे बहुत बड़ा काम किया मैंने कि नहीं, हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो तो सकारात्मकता ही दिखेगी। सामने वाले की स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति को समझ के ही निर्णय लेना है। और तीसरा प्रश्न था सर कि इस प्रस्तावना और प्रक्रिया में आप सार्थकता तो सर इतनी गहरी है जिसका हिसाब नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं UHV का, वो मानव मूल्य जो बिल्कुल गर्त में जा रहे थे उनको फिर जीवित करके समाज में एक उत्कृष्ट समाज की आपकी आवाज कट गई सर। रहेगा कि मैं खुद भी हाँ मुक्ति जी जी सर वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसा आप सोचोगे जैसा आप देखोगे जिस बात को आप बार बार सोचोगे आप वैसा ही व्यवहार करोगे। तो आपकी सार्थकता सर अविश्व ऐसी है कि जिसको जितना अनुकरण किया जाए उससे एक उत्कृष्ट समाज की स्थापना की ओर आगे कदम बढ़ेगा। और मैं आपके इस कार्य में पूर्णतः व्यक्तिगत रूप से तो शामिल रहूंगी, जब तक मैं खुद को अच्छा नहीं बना लेती उसके बाद आगे भी बढ़ूंगी। धन्यवाद सर आप सभी। बहुत ही बढ़िया मुक्ति जी, धन्यवाद। उषा व्यास जी अपनी बात रखो और साथ में ज्योति गंगराड़े जी, दोनों का जो माइक पहले चालू हो जाए। धन्यवाद सर। हितेन जी हैं, बेबी राजा जी हैं जी सर। उषा व्यास जी जी नमस्ते। नमस्कार सर, मैं उषा व्यास दमोह से, मैं पिछले 3 साल से राज्य आनंद संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और लगातार अल्पविराम भी ले रही हूँ और उनके निर्देशन में काम भी कर रही हूँ। और मैं एक शिक्षिका हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह मारूताल, और
मैं पिछले ये मेरी शायद तीसरी कार्यशाला होगी। मैंने अपने आप को बहुत सुविधा और जांचा परखा और व्यक्तिगत परिमार्जन में किया है, सही समझ और संगीत व्यवस्था को समझा है। सुख क्या है, पहले मेरा सुख था स्वभाव नहीं था, प्रभाव में ही मैं आती थी और उसी में सुख ढूंढती थी, परंतु अब मेरा स्वभाव है, सुख स्वभाव है, इसकी स्पष्टता बनी है। सहज स्वीकृति और स्वीकृति में मैं पहले अंतर नहीं समझती थी, परिस्थितिवश स्वीकार कर लेती थी या जो अच्छा लगता था उसको, तो उसमें कभी कभी बहुत विरोध भी उत्पन्न होता था, परंतु जब सहज स्वीकृति के साथ कुछ जो भी कार्य करती हूँ, चाहे वो परिवार में हो या समाज में या कार्यस्थल पर, उसमें विरोध कम हो गया है, होता ही नहीं है। पहले मेरा नेचर था कि मैं हमेशा टाइम से स्कूल जाती थी या काम करती थी और जो टेट आता था उसका मैं पुरजोर विरोध करती थी, कोई और ना कहे पर व्यास मैडम को तो कहना है, इस टाइप से मेरी छवि थी। लेकिन अब इस छवि में मेरी सुधार हुआ है, मेरा प्रतिक्रिया देना बिल्कुल कम हो गया है और ये मैं अपने आप में सुधार कर पाई हूँ। व्यक्तिगत जो शिक्षा परिमार्जन को समर्थ बनाने के लिए मानवीय चेतना जो है ये मैं समझी हूँ, और जीव मानव जीव और कौशल, इसको मैं जीव चेतना मानव चेतना, ये चीजें स्पष्ट हुई हैं सर इस कार्यशाला से। और इसके अलावा मैं मानव के होने के केंद्र में और शरीर में का साधन, शरीर और मैं सह अस्तित्व, ये चीज मुझे इस कार्यशाला से समझ में आई है। मैं का होना मतलब करने और होना, स्वयं का होना, ये मुझे ये बहुत मतलब गहराई से मुझे असर कर रही है। इसके अलावा जो भेद के प्रकार बताए हैं, वास्तव में हर जगह भेद होता है और उससे मैं भी गुजरी हूँ, परंतु अब मैं इससे अब मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगी और मैं निरंतर सुखी चाहती हूँ, दूसरा भी निरंतर सुखी चाहता है। इस चीज से मैं अब स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरे को सुखी करने की जो भावना आ गई है वो मैं दूसरे के प्रति ही मैं ज्यादा ध्यान रख पा रही हूँ। श्रेष्ठता के लिए भी मैंने, मेरे लिए जिसने भी सहयोग किया है, मैं उनके प्रति आज इस कार्यशाला की बात गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, उसमें खासकर मेरे पति और मेरे माता पिता जिनके प्रति कृतज्ञता का भाव है, और तो गुरुजनों के प्रति भी विरोध भाव बिल्कुल खत्म हो रहा है, प्रेम के जो रूप है। और आजकल मेरा कोई विरोधी भी यदि सामने होता है तो मैं उसके प्रति भी करुणा से भरती हूँ, क्योंकि मैं हालांकि ये मेरा वो नहीं है कि मैं कार्यशाला कर रही हूँ इसलिए ये नहीं है, बट मैं ये कहती हूँ कि अभी इसको इसके प्रति मेरा दायित्व तो ज्यादा है। तो इस तरह से मैं खुद को देख रही हूँ सेल्फ और इसको, और मेरी पहले जो विचार थे और अब विचार हैं तो यही है सर कि जो अभी विचार मैं अपने व्यक्त कर रही हूँ वो अब मैं ये मेरा अभी है, और पहले मेरा एकदम से प्रतिक्रिया देना या क्रोध करना या विरोध का, किसी को विरोध है किसी का हमारे प्रति तो हम भी उसके विरोधी हो जाते थे, इन चीजों में बिल्कुल 100 ईर्ष्या क्रोध जलन मतलब क्रोध नहीं ईर्ष्या जलन और द्वेष की भावनाएं बिल्कुल 100% खत्म हो गई है। और परिवार में व्यवस्था और शिक्षा और संस्कार, मानव के शिक्षा मानव के होने के चारों स्तरों पर व्यवस्था की सही समझ को विकसित करना, ये मैं समझ पाई हूँ चारों स्तर पर, और संस्कार और उसमें निष्ठा के साथ जीने की व्यवस्था, ये मुझे इस कार्यशाला से बहुत अच्छे से समझा है। और सर इसमें हम आगे भी अपनी प्रतिबद्ध हैं, आगे जो भी जहाँ भी मैं हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ UHB से, और जहाँ भी जिस स्तर पर मैं हूँ छोटा सा ही सही योगदान यदि मेरा थोड़ा सा भी हो और मैं कर पाऊँ तो उसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझूंगी।
और वैसे तो विद्यालय स्तर पर मैं बच्चों के साथ ये विचार मैं प्रकट करती रहती हूँ और हमारे स्टाफ में भी करती हूँ, और हो सकता है इससे और ज्यादा फैले, सभी अपने हमारे जो विद्यालय है वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनको उसी हिसाब से समझाना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद UHB और हमारे सर IP सिंह सर, हरगल सर, सत्य प्रकाश सर, आप सभी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे ये अपने जीवन का नया दृष्टिकोण परिमार्जित करने में, खुद को परिमार्जित करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद उषा जी। दीपा जी, हाँ जी, जी जी नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर दीपा रस्तोगी जी, मैं वर्तमान में अशोकनगर मध्य प्रदेश में निवास करती हूँ। मैं मूलतः एक शोधार्थी, लेखिका, कवित्री, समाज सेविका और एक सरकारी शिक्षिका हूँ। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। कार्यशाला के माध्यम से मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि में जो सबसे पहला स्क्रीन पर जो मुझे पॉइंट दिख रहा है, प्रमुख प्रस्ताव जो मैंने जांचे माने, उसमें जो सबसे पहली बात मुझे बहुत सुंदर लगी और मैंने अपने जीवन में उसको यथार्थ के रूप में स्वीकार किया, वो है कि मुझे प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुतिकरण करना है, हर बात को जानना है, मानना है, पहचानना है और फिर उसका निर्वाह करना है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति एक बार शोध कर लेता है, जैसे मैंने अंग्रेजी में शोध कर लिया है और मैं एक बहुभाषी महिला हूँ, मुझे अनेक भाषाओं का भी ज्ञान है और लिखती भी हूँ उसमें, तो हमारा मन मस्तिष्क उसी प्रकार का हो जाता है। हम पहले सूक्ष्म अन्वेषण में लग जाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, तार्किक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो उसी श्रृंखला में UHV के इस प्रोग्राम में मैंने सीखा कि मुझे हर बात के को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुतिकरण करके देखना है। दूसरा, मैंने एक और चीज बहुत अच्छी सीखी जो शायद मुझे पहले इतना अच्छे से मालूम नहीं थी, कि योग्यता का स्तर देखें। किसी से भी तार्किक रूप से उससे आप किसी प्रकार का वाद विवाद करें, कोई वार्ता करें, उसमें क्यों और क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग करें, तो पहले उस व्यक्ति की योग्यता का स्तर देख लें कि वो आपके स्तर पर है या नहीं, और पूरी तरह से, पूरे मन से, मस्तिष्क से उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें कि उसकी योग्यता का स्तर आप विकसित करें। ये आपका मूल स्वभाव होना चाहिए, आपकी प्रकृति होनी चाहिए, जैसा कि UHV बताती है कि आप उसको अपने स्तर पर लेकर आए, फिर आप उन चीजों की जांच पड़ताल करें जो आपको, जो भी आपको शिकवा शिकायतें हैं या आपका जो WH वर्ड है, जो आपका प्रश्न चिन्ह है। सुख समृद्धि की निरंतरता का एक बहुत ज्वलंत प्रश्न UHV ने उठाया और हम सबको ये समझाया कि हम सुखी भी होना चाहते हैं, हम समृद्ध भी होना चाहते हैं, और उसकी निरंतरता को हम किस प्रकार बनाए रख सकते हैं। वास्तव में ये भौतिक रूप से प्रश्न हमारे लिए है या मानसिक रूप से है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये हम सभी बुद्धिजीवियों के लिए मानसिक प्रश्न वरीयता लेकर आता है। भौतिक रूप से हम सभी संपन्न है, हमें जितनी आवश्यकता है उतना हमारे पास है, तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने मानसिक स्तर को थोड़ा और समृद्ध करें और निरंतरता को किस प्रकार बनाए रखना है इस पर प्रयासरत रहें। यही UHV का उद्देश्य मैंने अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया है, जो मैंने सीखा है। एक और चीज मैंने इसमें नोटिस की है कि बहुत सारी बातें जो आपने सिखाई वो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर लेकर चलती हैं। तो इसके लिए मैंने खुद को ये समझाया है कि मुझे अपने और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करना है। आगे मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी बात जो रट गई है हमें, वो मुझे लगता है मुझे ही नहीं, सभी को रट गई है, कि समझ, संबंध और सुविधा का जो एक वर्गीकरण आपने हमें सिखाया है वो हम अपने जीवन में लागू करेंगे। तो समझ, संबंध और सुविधा को इस प्रकार से वरीयता देंगे कि उसमें समझ हमारी पहले रहेगी, संबंध द्वितीयक रहेंगे और तृतीयक हमारा टर्शरी रहेगा इसमें सुविधा, क्योंकि सुविधाएं हमारे मन से जुड़ी हैं, उनकी आवश्यकता हाँ या नहीं में हम देख सकते हैं। इसी वरीयता क्रम में मैं इसको आगे अपने जीवन में उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगी। और एक और बहुत सुंदर, जो बहुत सूक्ष्म और कहना चाहिए बड़ी माइक्रो लेवल पे आपने सिखाया है, वो है शरीर के साथ मेरे मैं की व्यवस्था, कि मेरे मैं की व्यवस्था मेरे शरीर के साथ किस प्रकार आगे चलती है, उसमें मैं किस प्रकार से UHV का लाभ अपने जीवन में
उतार सकती हूँ। इस प्रस्तावना और प्रतिक्रिया में मुझे क्या सार्थकता और संभावना लगती है, मेरे विचार पहले क्या थे और अब क्या है। पहले भी मैं थोड़ी सुलझी हुई खुद को लगती थी, मुझे लगता था, मन में मेरे द्वंद चलता ही रहता था, क्योंकि लेखक जो होते हैं वो सोते वक्त भी शांत नहीं रहते, कुछ ना कुछ उनके मन में चलता ही रहता है, मौन को वरीयता देते हैं और बहुत सारी और बातों पर भी विचार विमर्श करते रहते हैं। जैसा उनका जीवन होता है उसी प्रकार से बहुत सारी चीजों को, देखिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल चीजों को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो हमारे मन में वो सब चलता रहता था। लेकिन अभी जो इसमें लाभ हुआ है, जो इसमें प्रगति हुई है, वो ये हुई है कि चीजें पहले से बेहतर हो गई हैं, और अगर हिंदी में प्रायोगिक शब्दों में बताया जाए तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, और किसी व्यक्ति की बातों को हम अपने मन पर किस प्रकार लें और किस प्रकार ना लें, ये हम पर किस तरह से यथार्थ होता है। जैसा मैंने सुबह भैया से चर्चा भी की थी, तो उन अपेक्षाओं को हम किस तरह से रखें, व्यवस्था के क्रम को किस प्रकार से बनाएं, अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने समाज में चीजों को व्यवस्थित किस प्रकार से सीखें, ये मेरे विचारों में थोड़ा सा मुझे लाभ लग रहा है। पहले से बहुत आराम लग रहा है मुझे, जैसे कि मैंने आनंदम सहयोगी की ट्रेनिंग ली, वहां पर भी 3 दिनों में काफी बदलाव मैंने खुद में महसूस किया। वहां से थोड़ी बेहतर पर्सनैलिटी होके, थोड़ा बेहतर व्यक्तित्व होके, थोड़ा निखर कर मैं आई, और उसकी जो बाकी की पॉलिशिंग थी वो आपके इस 5 डेज सेशन में मैंने खुद को दी है कि और ज्यादा सुलझे हुए व्यक्तित्व के साथ कैसे आगे बढ़ना है, और विचारों को एकदम से हमारे मन मस्तिष्क पे अतिक्रमण नहीं करने देना है। सबसे अच्छी बात मैंने जो आपके सेशन से सीखी वो ये है कि असम्पशन को कंटिन्यू ना करें, किसी भी पूर्वाग्रह को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो मेरी उपसंहार की वार्ता भैया से सुबह भी हुई थी कि आपके दुख का कारण क्या है, आपने किसकी बातों को किस प्रकार से लिया है, किसी भी मसले को सुलझाने के लिए आपकी भूमिका उसमें क्या रहती है, तो ये मेरे विचारों में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है यूएचवी के माध्यम से। आगे मैं इसमें आपको लास्ट बताना चाहूंगी, जो लास्ट पॉइंट है यूएचवी के संबंध में जो विशिष्ट प्रतिबद्धता और योजनाएं हैं। देखिए इसका जो मैं आपको सत्यनिष्ठा के पूर्वक एक चीज बताऊं कि मैं बड़ी स्पष्टवादी हूं और बड़ी ईमानदार भी हूं कि मतलब जो मुझे कहना है वही जो मैं सोचती हूं वही मैं कहती और करती हूं। तो इसमें मैं पहले से ही जो उत्सुक थी, जो जुझारूपन मेरे अंदर था वो मेरे शिक्षण को लेकर था। इसमें मेरा निजी कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था कि मैंने इस चीज से क्यों जुड़ी, मैं इससे पिछले साल से जुड़ी हूं, जब से कोरोना काल था, तो उसके पीछे एक यही मेरा उद्देश्य था कि मेरा जो मेरा व्यवहार है और जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा कर्तव्य है, उसको मैं 100% फुलफिल करूं। और वो तभी हो सकता है जब मैं बच्चों को, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, जिनके मैं आसपास रहती हूँ, उन सभी को मेरा विकिरण प्राप्त हो, कैसा कि पूरी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान हो और वो काउंसलिंग बेसिस पे किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद में या भ्रम में ना रहे। क्योंकि पहले आप जानते हैं जब हम लोग छोटे बच्चे थे, आप थे, मैं थी, उस समय काउंसलिंग नहीं होती थी शिक्षण में और ना ही मानसिक स्वास्थ्य का कोई ध्यान रखा गया। लेकिन आज के वातावरण में, आज के युग में ये बहुत नितांत आवश्यक है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं इससे जुड़ी थी, उसी के लिए आगे काम करने का मेरा पूरा प्रयास और योजनाएं रहेंगी। और राज्य आनंद संस्थान और यूएचवी की तमाम गतिविधियों से आजीवन जुड़ने का संकल्प मैं अपने आप में लेकर आगे बढ़ रही हूँ कि मुझे स्वास्थ्य और मानसिक लाभ, इसमें मैं, मेरी योजना रहेगी कि यूएचवी का अधिक से अधिक प्रसार मैं अपने बच्चों में और अपने परिवेश में कर सकूं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करूंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया दीपा जी, धन्यवाद धन्यवाद। धर्मेन्द्र उपाध्याय जी, अभिलाषा सिंह जी, ज्योति जी उपलब्ध है, वेदई त्रिपाठी जी, तो आप माइक आपके पास है, आप माइक ऑन करके बात कर सकती हैं। ज्योति जी, ज्योति गंगराड़े जी, धर्मेन्द्र उपाध्याय जी, अभिलाषा सिंह जी, हितेन जी, सर माइक मेरे पास भी है, साक्षी जी, हाँ आप, जी जी जी, हाँ साक्षी सहारे जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर साक्षी सहारे भौतिक विज्ञान की प्राध्यापक हूँ, शासकीय महाविद्यालय बिछवा में पोस्टेड हूँ इस समय। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने स्वयं और शरीर को अलग अलग करके देख पाना सीखा। मैंने देखा कि कोई भी नीड यदि मुझे आई है तो वो शरीर की है या स्वयं की है, ये मैं पहचानने में सक्षम हो पाई हूँ सर इस समय। मूल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित हुआ, मेरे ग्लास में मैंने बिंदी लगाना सीखा,
बिगड़े संबंधों में भी मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। हाँ, ये बात सच है कि अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं पहुंची हूँ। अंतर्द्वंद है, इंटरनली कुछ फाइटिंग्स चल रही हैं, तो मैं नहीं पहुंच पाई हूँ, पर कोशिश है कि आगे कुछ संबंधों में भी सुधार आ सकेगा मेरे अपने कृत्यों के द्वारा। अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास पिछले 4 दिनों से कर रही हूँ और आज ही मैंने अपनी कल्पनाशीलता को दृष्टा के रूप में देखना सीखा है। श्रेष्ठता और फर्स्ट आने में जो अंतर स्पष्ट हुआ मेरा, और मैं ये समझ पाई कि मेरा हर बच्चा श्रेष्ठ तो हो ही सकता है, इस पर मैं काम करूंगी। विचारों में पूर्ण रूप से परिवर्तन आया है, साथ ही मैं बार बार मूल चाहना पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाती हूँ कि ये मूल चाहना में है या नहीं है, क्योंकि मूल चाहना कभी नहीं बदलती। व्यक्तिगत स्तर पर मैं मूल चाहना पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हूँ। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, इन सभी शब्दों को मैंने पहले भी सुना है, पर जिन अर्थों के साथ मैंने आज समझा है इन्हें, तो मुझे ऐसा लगा है कि प्रेम करने के लिए जरूरी नहीं है। प्रेम को बहुत गलत रूप में दिखाया गया था, पर जब आप लोगों ने उसे प्रेम को समझाया तो मुझे लगा कि झाड़ों से भी प्रेम है, गायों से भी प्रेम है, बेटे से तो है ही है, आसपास की सभी चीजों से प्रेम है। और जब प्रेम है तो उसको उनके प्रति क्या व्यवहार करना है, क्योंकि प्रेम में आदमी नुकसान नहीं पहुंचाता, हमेशा सहज भाव में रहता है। तो मैंने उस प्रेम को समझने की कोशिश की और मुझे बहुत मजा आया सर। परिवार स्तर पर मुझे लगता है कि जो मेरे में परिवर्तन आ रहा है वो मेरे कृत्यों में दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मेरे कृत्य सुधरेंगे तो मेरे परिवार में मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होंगी और मेरे परिवार में भी यही सब मूल्य निर्धारित हो सकेंगे। साथ ही यही मैं संस्था और समाज के लिए समझती हूँ कि जो अंदर आ गया है वो बहेगा और जब वो निकलेगा तो सबका कल्याण करेगा ही करेगा। प्रकृति के संबंध में भी समझ आई, प्रेम के साथ प्रकृति का भी एक जुड़ाव समझ में आया। तो समझ में आया कि हम प्रकृति किससे यदि प्रेम कर रहे हैं तो उसे हार्म नहीं करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, पर इसके लिए और क्या कर सकते हैं ये थोड़ा डिसाइड करने लायक बातें मुझे समझ में आई। मैंने देखा कि बहुत दिनों से हमारे काफी समय से प्रोग्राम चल रहे हैं और लोग कहते हैं कि आप एक थैला लेकर चलना शुरू करो, प्लास्टिक को बंद करो, प्रकृति नुकसान में जा रही है। और उस समय मुझे ऐसा बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, पर UHV के माध्यम से अभी जब मैंने सोचा तो मुझे लगा एक थैला रखने में बुराई ही क्या है, रख लें यार, कुछ अच्छा ही तो हो रहा है। तो अब इस तरफ भी ध्यान केंद्रित होने लगा है सर। पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित था कि ठीक है, जो थ्योरिटिकल चीजें जो पढ़ ली थी अब उन्हें प्रैक्टिकल करने का मन करने लगा है। ये परिवर्तन मैंने इन 4-5 दिनों में महसूस किया है। अपने साथी कर्मियों के लिए मैंने यही सोचा है सर कि मैंने डायरेक्टली कहीं से लिंक मिली और मैंने इसको ज्वाइन किया और देखा कि मुझे बहुत फायदा मिला, तो मैं एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास के लोगों में ये वितरित करूं कि यार तुम भी फॉर्म भर लो, 5 दिन की वर्कशॉप अटेंड कर लो, हो सकता है तुम्हें कुछ चेंजेस समझ में आए। अपने स्तर पर ये मैं ही करने का प्रयास करूंगी। साथ ही मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा स्टूडेंट से बहुत जुड़ाव है और मुझे हर बच्चा बहुत प्रिय लगता है, तो मैं अपने बच्चों को भी मेरे माध्यम से जो मुझे नहीं समझ में आता है वो UHV के माध्यम से, यदि मैं कोई क्लब बना पाई और मैं इस तरह से अपने बच्चों में भी UHV के माध्यम से सुखी, अपने बच्चों को सुखी करने का प्रयास करूंगी सर। विश्वविद्यालय स्तर पर या किसी भी स्तर पर आप लोगों की वेबसाइट में लगातार देखती रहती हूँ और मेरे लायक मुझे जहाँ भी भूमिका दिखाई देगी मैं इसे जरूर करवाऊंगी सर। रिसेंटली मैंने ऑनलाइन एक कोर्स और ज्वाइन कर रखा है जो 6 हफ्ते का है, और अभी उसमें क्योंकि रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को और अपने साथीगणों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करूंगी कि प्लीज आप लोग कम से कम आनंदक बनिए और स्वयं आनंद में रहिए। जब हम खुद आनंद में होंगे तो जरूर अंदर से निकलेगा और हम लोगों में भी बांट पाएंगे। सर इतना ही कहना चाहती हूँ। सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बढ़िया बढ़िया, एकदम अच्छे से आपने अपनी बात रख दी पूरा उसको समराइज करके। जी धन्यवाद। एक चीज और सर कि मूल चाहना फिट रहना आदमी चाहता है, बस अपनी मूल चाहना को देख ले और उसके हिसाब से खाना खा ले। सुखी रहना चाहता है, अपनी मूल चाहना को देख ले, उसके हिसाब से काम कर ले। तो मुझे लगता है आपने जो एक मूल मंत्र हमें दे दिया, मूल चाहना,
वो बहुत जबरदस्त है सर। जी जी बहुत बढ़िया से पकड़ा आपने। जी 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 थैंक यू। दिनेश कश्यप जी जयप्रकाश आनंद जी अच्छा दिनेश जी आपको माइक ऑन हो गया। हाँ जी दिनेश जी आवाज आ रही दिनेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही जब तक जेपी आनंद जी बोल सर मुझे आ रही। हाँ आ रही आ रही। हाँ सर मैं डॉक्टर दिनेश कश्यप गोजरी गांव है धार जिले में वहां से हूँ मैं और एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ। मैंने जो सबसे पहले मैं शेयरिंग के बारे में कहूँगा वो ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है इंदौर जाता हूँ मैं तो इंदौर बड़ा शहर है उसमें लेफ्ट ओवरटेकिंग ज़्यादा होती है और गाड़ियाँ भी इधर उधर बेतरतीब बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो कल की घटना है अचानक एक बालक बिल्कुल यंग बालक एक यंग बालिका को बिठा के बिल्कुल तिरछी मिर्छी गाड़ी चलाते हुए निकल गया मेरे बिल्कुल समीप से दूसरों के समीप से भी निकल गया। एकदम रिएक्शन हुआ मुझे और मैंने सोचा इसको कुछ किया जाना चाहिए। फिर एकदम जो कल्पनाशीलता में विचार आया फिर मैंने थोड़ा सा रुका क्योंकि यूएसवी के प्रभाव के कारण समझ में आने आया उस समय नहीं तो पहले तो मैं डायरेक्ट उसको रिएक्ट अलग तरीके से करता था। तो वहाँ चौराहे पर गया तो वो भी रुका हुआ था उसको बोला मैंने बताया भी समझाया भी और समझ भी गया सॉरी बोला उसने क्योंकि वो रेड लाइट थी बस उतने में बात खत्म हो गई। लेकिन फिर विचार बंद नहीं हुआ वहाँ चलता रहा कि वास्तव में इस बच्चे गलती नहीं है इसके पेरेंट्स की कमी हो सकती है समझ की कमी कि उन्होंने इसको गाड़ी दिलाई। फिर वहाँ आया कि नहीं पेरेंट्स की कमी नहीं है इसमें इसमें उस कंपनी के बनाने वाली की कमी है जिसने उस चीज़ को उपलब्ध करवाया। इस प्रकार की गाड़ियाँ नंगी नंगी सी गाड़ियाँ मतलब फैशनेबल बोलते लेकिन मुझे तो बहुत बेकार भोंडी टाइप लगती हैं चारों तरफ से खुली विली जैसी भी हो खैर वो मेरी सोच है। तो उसको उसने स्पेशल देखने के लिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो गाड़ी पिताजी ने दिलवाई कि मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो या जो भी हो खैर। तो वो मुझे लगा कि कंपनी मालिक जो है वो जिम्मेदार है। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं नहीं यहाँ भी नहीं रुकना है एक्चुअल मूल जड़ जहाँ पर है वो जिम्मेदार है तो हमें जो है ट्रेनिंग जो देना चाहिए या इसका क्या कहेंगे अपन समझ डेवलप करना चाहिए वहाँ पर करना चाहिए जहाँ से जड़ की शुरुआत होती है। तो वो जड़ की शुरुआत मुझे पकड़ में आई प्रशासन तंत्र और माननीय नेतागण जहाँ से ये चीज़ें अनुमति मिलती है और कई जगह फिर बसों में जो है छोटी छोटी सीट होती है दो सीट के लिए पास दिनेश भैया दिनेश भैया दूसरा है भैया दिनेश भैया महिला की समझ में आई मैं रास्ते में रुका एक महिला रोज मुझे देखती थी आराम से तो मैं कल शाम दिनेश भैया एक बात आपसे कहना चाहेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा दो मिनट के लिए यहाँ पर विराम देते हैं आपको एक सेकंड के लिए। भैया ये ना ये शब्द जो है ना ये यहाँ पे ऊपर लिखा है स्व मूल्यांकन है ना सर स्व मूल्यांकन वही मैं बता रहा हूँ मेरे मूल्यांकन बता रहा हूँ सर नहीं नहीं ये गरीब महिला जो नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूँ अपने बारे में अगर बात रखे ना दूसरों की समीक्षा की बजाय मेरे अंदर की बता रहा हूँ मैं कि सर ये जो मैंने देखा तो मेरे अंदर बदलाव आया ये कि जो हमारा ये गरीब महिला थी वो उसको मेरे देखने के मन में आया फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मिल लिया जाए उससे मिला तो मैंने मदद की पेशकश की और उन्हें स्वीकार भी कर लिया। दूसरा जो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ हेलो 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 दिनेश जी बड़े स्पष्ट पॉइंट वहां पर लिखे हुए हैं अपने को सिर्फ उसी पर बड़े संक्षेप में अपनी बात रखनी है। सर जो दर्द होता है सर वो अब मेरे अंदर ही तो दर्द हो रहा है सर वही तो मैं बता रहा हूँ कि सर लेकिन अगर हम अपनी बात को बड़े संक्षेप में और ऐसा नहीं रख पाते हैं जिससे कि दूसरों को बाकी लोगों को भी फायदा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हम बाकी लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ ये बात भी सही है सर तो ठीक है सर अपना दर्द अपनी जगह है लेकिन उस दर्द से अगर और लोगों को फायदा नहीं हो रहा है तो वो फिर दर्द को सही फोरम पे व्यक्त करना ज्यादा उचित होता है। ठीक है ना ठीक सर आगे का पढ़ देता हूँ मैं सर आगे का बोल देता हूँ जो लिखा है मैंने दो तीन लाइन है बस बोल दूं सर आप कहें तो जी 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 हाँ बताइए जी सर। तो आगे ये समझ में आता है कि प्रभाव जो है अंदर से हमें महसूस करना है अंदर ही रहना है सहज स्वीकृति को समझना है और आगे क्या बोलूं सर मैं तो उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहा हूं और जो मैंने सुबह भी सुना था दिलशाद आदरणीय दिलशाद सर का उन्होंने प्रैक्टिकली बातें जो बताई वही बातें मेरे अंदर चल रही मैं प्रैक्टिकली मैं सारा कर रहा हूं और
जो जो समझ में आ रहा है उसी को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि फोरम सही नहीं है तो मैं खुद में जांचने पर रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंत बात दिनेश जी ना फोरम ठीक है, एक्चुअली समय भी थोड़ा कम है ना, तो जी जी हम सुनेंगे बिल्कुल। 8 दिन की वर्कशॉप में आइएगा ना जी सर, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आखिरी लाइन में बोल देता हूँ मेरी, आखिरी लाइन ये कि प्रोजेक्ट में जो एक्चुअल में उसमें UHV के अंदर जो सोचता हूँ कि इसमें इंटरव्यू के संबंध में कुछ ऐसा रखना चाहिए कि अब जो मेरे समझ में आ रहा सर वो चाहिए शब्द यूज किया मैंने, है मेरी इच्छा कि मैं भी उसमें शामिल हूँ कि बड़े बड़े लोगों के जो इंटरव्यू लिए जाते हैं कोर्सेज में, जैसे इंटरनेशनल डिप्लोमा होते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं तमाम प्रकार के, उन कोर्सेज में इस प्रकार के इंटरव्यू रखे जाएं ये इसी UHV जब संबंधित, तो वो बड़े बड़े लोगों के अंदर जो इंटरव्यू में जो सही वो सच्चाई बोलेंगे और फिर उसमें उनके अंदर समझ डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि वो तो पैसा वाले बहुत से समझदार भी हैं, जब ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं, परंतु इस प्रकार की समझ डेवलप होगी जो UHV में चल रही है, तो इस प्रकार के इंटरव्यू इन्हीं लोगों के बीच में पहले हो ऊपर से। दिनेश जी अपन जो अपने अभी जो बात जो अभी भैया ध्यान दिला रहे हैं कि स्व मूल्यांकन है, क्योंकि अभी प्रभाव का दायरा जहां तक है वहां तक अपन इस पर चर्चा रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक सर, मूल्यांकन से हमें क्या परिवर्तन हुआ, हमको क्या बात समझ में आई और हमारे कार्य क्षेत्र में हम क्या इसमें आगे सहभागिता देखते हैं, तो हमको केंद्र में रख के हम बात करेंगे तो हमारे लिए भी और सबके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। मैं काफी समृद्ध हुआ हूँ, बस यही कहूंगा कि पहले से बहुत समृद्ध हुआ हूँ इसीलिए मुखर थोड़ा सा बोलना शुरू किया, नहीं तो पहले मैं खुद ही करता रहता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ दूसरे लोग भी और जुड़े तो उसके लिए क्या रास्ता है, तो इस कारण से उस रास्ते को मेरा दिमाग में आया था इसलिए किया। बाकी मैं अकेले तो करता रहूंगा और मार्गदर्शन में करता रहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। JP आनंद जी हैं, अंशुमन शर्मा जी हैं, बेबी राजा जी, नमस्कार जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए JP जी। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश आनंद है और भारतीय रिजर्व बैंक से एक सहायक महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, ये मेरा संक्षिप्त परिचय है और मैं भोपाल शहर में रहता हूँ। सबसे प्रमुख बात है कार्यशाला के मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि, तो वास्तव में ये मेरी कार्यशाला अटेंड करने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि है शब्दों का जो मायाजाल था, इतने सारे शब्द मैंने अभी तक पढ़े, अखबारों पढ़ते थे, पुस्तकों पढ़ते थे अर्थ जानते थे, समझ में अभी आया जो UHV की कार्यशाला में जब एक एक शब्द का हमको एक एक अर्थ और शब्द की आत्मा को समझाया, समझ सम्मान सुविधा, इतने सारे ढेर सारे शब्द मैंने पढ़े, प्रतनता मान्यता स्वतंत्रता संवेदना व्यवहार आशा जितने भी ले लो आप, 100 से अधिक शब्द अभी हमने देखे समझे, तो मैंने पहली मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि इन सब को समझा और जिया, जीने लगा हूँ। वो कैसे बताता हूँ कि जैसे कि मैं अपने मित्रों में बातचीत करता था या मेरे परिवार के सदस्यों की बातचीत करता था तो कई कई चीजों में वास्तव में बहुत बहस हो जाती थी और मैं समझता हूँ मुझे ज्ञान ज्यादा उनको ज्ञान कम किसी भी क्षेत्र को लेकर, तो मैंने UHV की वो बात मेरे जहन में याद रखनी हमेशा के लिए कि संबंध में हार जीत नहीं होती, मैं जो बातचीत करता था हार जीत के लिए करता था। तो एक बार आपने बता दिया, समझ में आ गई कि संबंध जो हार जीत के लिए नहीं होता, संबंध में कोई हार जीत नहीं होती, वो आपस में सब एक ही पटल पे है, तो ये एकदम प्रमुख बात है। दूसरे हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने करने जाते हैं, काफी लोग जाते हैं, तो उनमें समय का अनुशासन नहीं था, तो मैंने जब उनको समझाया और मैं भी समझा कि समय का बड़ा महत्व है और उसमें मैंने द अर्थिंग का उल्लेख किया, द अर्थिंग का उल्लेख जब एक पुस्तक एक फिल्म है उसके बारे में किया, और जमीन से जुड़े रहने की, तो वो बात जब भी याद आती है कि घूमना जमीन पे होगा, जमीन के साथ अपना जुड़ा होगा, तो फिर चारों पांचों बातें ध्यान में आ गई, व्यायाम करना है, आहार रखना है, विहार रखना है और श्रम करना, श्रम से उत्पादन होता है उसकी बात भी करना, ये बात भी मेरे को, चूंकि अपन शब्द पढ़ लेते हैं जब प्रैक्टिकल से गुजरते हैं, जो आप 5 दिनों में हम आपके साथ गुजरे तो ये बातें याद रहती हैं, याद रहने से उसका इम्प्लीमेंट भी होने लग गया है, ये मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि इस प्रस्तावना प्रक्रिया में जो सार्थक संभावना देखते हैं, संभावना तो बहुत विशाल है इसकी, UHV की और उसके विचारों की संभावना इसलिए विचार है क्योंकि मैं खुद अभी देख रहा हूँ और जितने मैंने सुने शेयरिंग सुनी है और देखा तो लोगों के बातचीत में बहुत समझ भी आई है, परिपक्व ही है जो बोलने में, क्योंकि उनको इस पर उनको कितना कितना टू द पॉइंट बोल रहे हैं इस पर भी आई है, ये बात भी इससे सीखते हैं कि हमको किस विषय से भटकना नहीं और कहां तक कितना बोला जा रहा है, ये भी मैंने सीखी। और जहां तक सवाल है कि इसका कि अपने सामाजिक स्तर पर, परिवार स्तर पर, संस्था में किस रूप से हम इसमें काम किया जाता है,
तो मेरे मेरे उसमें एक दिमाग में एक बात आ रही है, क्योंकि संस्थागत मामले हैं, स्कूल है, बैंक है, संस्थान है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक ग्रुप है, तो यदि उनके साथ काम किया जाए, उनके साथ बैठ के बात की जाए, तो साथ वो भी इसमें काफ़ी सार्थक रिजल्ट इसका निकल सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे सीखा तो बहुत बृहद विषय है, कई दिन कई वर्ष भी लग जाएंगे पूरी तरह से उसको अन्य, फिर भी मैंने पूरा समराइज तीन बातों में किया है, इस इन शब्दों को, इन बातों को, मूल चाहना को, या जो भी है कि प्रेम सबसे करें, बुरा किसी का ना करें, और विश्वास कुछ पर करें, तो ये बात लेके चलेंगे हम, शायद चीजों में समझ लेंगे और आगे इसमें बढ़ेंगे। और एक हम आनंद की जो भूमिका मूल चाहना बनाते हैं, उसमें हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा है। राजा खान जी, आपका माइक ऑन। राजा खान जी, अंशुमन शर्मा जी। हाँ जी, अंशुमन शर्मा जी। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, अंशुमन जी से बात ले लेते हैं, फिर राजा जी आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा ग्वालियर से हूँ। हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन, ये मैं चलाता हूँ मिशन। एक्चुअल में मेरी खोज भी है, क्योंकि मैं दैनिक भास्कर में पत्रकार था पहले, तो मैं सभी लोगों से मिला, धर्म समाज के लोगों से मिला, नेता अधिकारियों से मिला, तो मेरी खोज भी यही थी कि हैप्पीनेस समाज में, हैप्पीनेस को कैसे लाया जाए, जो समाज में दुख और परेशानी है उसको कैसे दूर किया जाए। तो इस हैप्पीनेस की खोज को लेके मैंने गीता, मानस, धार्मिक ग्रंथ और लोगों को भी सुना, तो मैं समझता हूँ आपकी खोज भी वही हैप्पीनेस को लेकर थी, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। और चूंकि आनंद संस्थान की भी वही खोज है, तो मैं एक जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, उस तरह फिर मैं आनंद संस्थान में जाके मिल गया। तो इस तरह मेरी हैप्पीनेस की खोज में, जब मैंने आपसे आपका ये आज का UHV प्रोग्राम देखा आनंद संस्थान का, तो निश्चित तौर से बहुत स्थिति कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुए। जैसे कि आपने बताया, मैं और शरीर, इन दोनों का जो अंतर है, जो कि गीता में अपने तरीके से कहा गया है, लेकिन आपने धर्म और व्यवहार को, धर्म को व्यवहार में ढालने का, जो व्यवहार के साँचे में धर्म को जो ढाला है, तो उससे काफी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुए। तो आपने बताया कि मैं अलग है, शरीर अलग है, और सुख है, जो सुख है वो मैं चाहता हूँ, शरीर उतना सुख नहीं चाहता, और सुख चाहने की जो कामना वो मेरी है। तो इस तरह से आपने जो समझाया बहुत काबिल तारीफ था, और निश्चित तौर से ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुए होंगे, मुझे भी हुए, अच्छा लगा। और जहां तक सवाल ये कि आपका जो टॉपिक था कि जो खुशी के ऊपर दूसरे पे हम डिपेंड रहते हैं, अपना खुद हमें करना चाहिए, तो ये 2016 में ये थॉट मैंने भी दिया था कि हमारी खुशी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहता है, और दूसरा हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और दूसरा हमें परेशान कर, दूसरा हमारी बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इस तरह जाने अनजाने हम अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं, जबकि हमें अपना आकलन खुद करना चाहिए कि हम क्या है। तो यही भी सुनने को मिला। और आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो पूरा जो था समझ और शिक्षा और संस्कार के ऊपर, तो मैं इसमें थोड़ा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शिक्षा और संस्कार ये नहीं सुन पाया, तो थोड़ा सा इसका दुख है मुझे। मैं कोशिश करूंगा आपको कभी सत्र में आगे भी सुनूं और शिक्षा संस्कार को क्लियर करूं, ये दो चीज रह गई है। बाकी निश्चित तौर से आपने जो ये काम किया है, मैं काफी लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, इससे पूरे समाज को काफी सहूलियत मिलेगी, और हम सुख और समृद्धि के करीब आएंगे, जीवन की वास्तविक अर्थ को हम बिल्कुल समझने के करीब है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आनंद संस्थान को, और हम आपके साथ हैं, आपकी बात को हम आगे भी ले जाएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है, और ऐसा हम सोचते हैं। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद भैया। राजा खान जी, आपके पास भी माइक है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं राजा खान हूँ, शोपुर जिले से, और मैं राज्य आनंद संस्थान में जिला संपर्क व्यक्ति हूँ और मास्टर ट्रेनर भी हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने सर ये देखा है, ये महसूस किया है कि राज्य आनंद संस्थान का व्यक्ति जो जिला संपर्क व्यक्ति है या मास्टर ट्रेनर है, उनको लोग फॉलो करते हैं कि वो कैसे अपने जीवन जीते हैं, और उनको देखते हैं कि ये लोग आनंद में हैं,
कि जब भी मैं कलेक्ट्रेट में या किसी पत्रकार बंधुओं के पास जब जाता हूँ तो वो बड़े ही आशा भाव तरीके से देखते हैं कि ये लोग आनंद वाले लोग हैं। और मैंने यहाँ पर अल्पविराम भी हमारे जिला कलेक्टर से लेकर सभी विभागों में लगभग अल्पविराम कार्यक्रम करवाए हैं, तो मेरी जो पहचान है, जो छवि है, वो एक आनंदम व्यक्ति के रूप में बनी हुई है। तो जो यूएच भी है उससे मैंने ये सीखना का प्रयास किया है कि मैं सर्वप्रथम जब ये मई में हुआ था उस समय तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन अगस्त महीने में जब मैं किया तो मैं ईमानदारी के भाव से कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ अपनी मतलब उपस्थिति दिखाने भर के लिए इस कार्यक्रम को किया था कि मेरी उपस्थिति दिख जाए, क्योंकि मैं अन्य कामों में भी मेरा मन नहीं, यहाँ मन नहीं था, अन्य कामों में भी ज्यादा व्यस्त था। लेकिन इस बार मैंने पूरा संकल्प लिया कि 5 दिन का जो समय है वो हमें निकालना है और इसमें जुड़ना है। और मैं इस बार पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि मैंने 5 दिन पूरे, सिर्फ जो हमारा पहला दिन था उस दिन मेरे को थोड़ा सा लंच के बाद काम आ गया था तो उस दिन नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन अपने जीवन में देखा है कि वाकई जो यूएचबी का जो कार्यक्रम है मेरे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन ला सकता है और उन परिवर्तन को मैं महसूस भी करने लगा हूँ। कहीं ना कहीं जब मैंने इस चीज को महसूस किया और इस चीज को देखा कि यूएचबी से हमें क्या, मैंने देखा कि मैं 5 दिन का समय दे रहा हूँ तो क्या सीखने को मिल रहा है, मुझे क्या लेके मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और सर ये मैंने देखा है कि निश्चित ही जब हम घर से इस कार्यक्रम को करते हैं तो उतनी ही ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाते, क्योंकि इधर उधर का डिफरेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने लगता है। तो मैंने इसमें सबसे पहले तो जो सीखा वो सीखा कि मैं और मे शरीर, जो कि वाकई मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था कि जो मैं की आवश्यकता क्या है और शरीर की आवश्यकता क्या है। आज हम जिस भौतिक सुख को आनंद मानकर बैठे हैं कि जो अपना सारा समय भौतिक सुख सुविधाओं पर लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं का आनंद तो वो नहीं है, मैं का आनंद कुछ और है। और वो मेरे को यूएसबी से सीखने को मिला, वाकई मैंने अपनी आवश्यकताओं को पहचाना। मैंने एक मन बना रखा था कि मैं कभी ग्वालियर जाऊं, कभी इंदौर जाऊं, कभी भोपाल जाऊं या कहीं भी जाऊं तो 1 या 2 जोड़ी कपड़े खरीद के लाता हूं, घर वालों के लिए भी लेकर आता हूं, तो उनकी मुझे आवश्यकता होती नहीं, बस मैं इस भर के लिए जाता हूं कि बस मैं ग्वालियर आया था तो चलो शॉपिंग हो जाएगी। लेकिन मैंने अब उस चीज को महसूस किया कि वाकई मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे शरीर की आवश्यकता क्या है और मेरी खुद की आवश्यकता क्या है। तो मैंने सर्वप्रथम तो ये सीखने का प्रयास यूएचपी से किया कि हमें खुद में ये देखना होगा कि किस तरीके से मैं अपनी आवश्यकताओं को कम कर पाऊं या जो आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता है उन्हें पूरा कर सकूं। और आशा करता हूं सर कि मैं अगली बार तो जो यूएचपी का कार्यक्रम हुआ था उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया, और वाकई मैंने 5 दिन लोगों को सुना, बड़े अच्छे मन से सुना, और रात मेरी कल्पनाशीलता में भानु भैया आ भी रहे थे और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कार्यक्रम अभी चल ही रहा है, क्योंकि 5 दिन तक लगातार आपके एयरफोन लगी हुई है और उस एयरफोन में फिर आप हटा के 5 बजे बाद उसको रखते हो, तो कहीं ना कहीं वो मन मस्तिष्क में वो चलता रहता है, तो एक परिवर्तन की राह भी वहां से हमें दिखती है कि जब हम 5 दिन का समय कहीं लगाते हैं तो वाकई वहां से हमें सीखने को मिलता है। और भी मैंने बहुत कुछ इस ट्रेनिंग से जो सीखा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बेहतरीन जो मुझे लगा वो एक है कि प्रस्ताव है, जिसे आप माने, जिसे जाने नहीं माने, तो ये सबसे महत्वपूर्ण था। और उससे भी महत्वपूर्ण जो मैं और शरीर में का अंतर में जान पाया और वाकई इसको मेरे जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा, और एक आनंदक व्यक्ति के रूप में जो मेरी पहचान है, लोग मेरे से आशा करते हैं कि यार ये व्यक्ति आनंदित है, तो कहीं ना कहीं वो एक दायित्व बन जाता है हमारा भी कि वाकई हम आनंदित व्यक्ति के रूप में रहे, हमारा परिवार एक आनंदित व्यक्ति के रूप में परिवार रहे, ताकि लोग हमसे सीखें कि यार ये लोग आनंद विवाह में काम करते हैं तो इस तरीके से आनंद वाले लोग रहते हैं। तो मैंने हमारे जीवन में तो इसको उतारने का प्रयास किया है और लगातार 5 दिन से मैं बोला नहीं हूँ, तो आज थोड़ा सा समय मेरा भी होता जा रहा है, लेकिन यूएचपी वाकई हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाता है वो एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब इसका ऑफलाइन कार्यक्रम हो, क्योंकि जो हम ईमानदारी से कहें तो 100% हमारा नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने 5 दिन का समय इसके लिए निकाला था कि भाई हमें 5 दिन इसको देना ही है और यही समझना है कि क्या करना है। मैं 1 बजे ही खाना खाता था जबकि मेरा खाने का टाइम 11:30 बजे का है, 11 बजे मैं खाना खा के घर से ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने इस दिन तो ऐसा समय बना लिया था कि मुझे 1 बजे ही खाना खाना है, तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं 1 दिन हमारा समय जो है लंच के बाद नहीं दे पाया। तो सर मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब भौतिक रूप बिल्कुल बिल्कुल जी धन्यवाद। भगवान सिंह परमार जी हैं, दीप्ति गौर जी हैं,
संगीता शंखला जी हैं जी, भगवान सिंह जी स्वागत है जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल 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 स्वागत है भगवान सिंह जी, स्वागत है, फिर आपके पास आते हैं दीप्ति। तो भगवान सिंह जी, सबसे पहले तो राज्य आनंद संस्थान एवं हमारी जो यूएचबी टीम है उन सबको बहुत बहुत बधाई, ये बहुत ही सक्सेसफुल शिविर रहा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग इससे पूर्व से भी जुड़े हैं और बागैया सर का हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस शिविर को पूरी तरह लगन के साथ हमने, हमारी पत्नी बच्चे सभी ने किया है और हम लोगों का परिवार जो है वो यूएचबी को जीने में कैसे दिख सकता है, इस पर हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कार्यक्रम बचा है, पहले हम इसको एक पार्ट टाइम के रूप में लिया करते थे और सिर्फ हमें शब्द भर पकड़ में आए थे तो शब्दों के सहारे हम लोगों को प्रभावित तो कर लेते थे लेकिन अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं चलता ही रहता था। लेकिन कुछ समय से हमने इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना रखा है और परिवार में अब सुबह से लेकर शाम तक जो चर्चा होती है वो ज्यादातर यूएचबी केंद्रित है। कल्पनाशीलता में भी जो चीजें चलती है उसको भी हम लोग लगातार देखने का प्रयास करते हैं। सुबह का सेशन भी हम लोग लगातार साल भर से जुड़े हुए हैं तो जो भी चल रहा है उसमें मैं जहां स्वयं को समझ पा रहा हूं तो स्वयं में अब एक सहज स्वीकृति क्या है ये बड़ा स्पष्ट होने लगा है और उसके आधार पर भाव विचार के आधार पर भी विरोध घटने लगा है। मतलब जो प्रतिक्रियाएं थी, जो प्रतिस्पर्धाएं थी और जो कहीं आसक्ति का भाव था या कहीं पर ओवर एवल्यूशन था, इस पर अब निरीक्षण परीक्षण जो है वो लगातार चलता ही रहता है और जीने में एक सहजता, जहां खुद में एक हल्कापन आया है, वहीं पति पत्नी जो मैं भी जो आपस में विरोध थे वो दोनों में अब आपस में गिरे हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा अगर हो भी जाता है तो वो तुरंत संतुलित भी हो जाता है तो घर में भी एक अच्छा वातावरण बना है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं पर्यावरण से जुड़ा रहा, मैं एनजीओ या समाज सेवी भी रहा तो पहले समाज सेवियों के रूप में भी जो मैंने एक झूठी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी वो पूरी तरह से गिर गई, लेकिन जो नेचर से हमारा रिलेशन है वो और बढ़ा है। तो हम लोगों ने यूएचबी का एक मॉडल, आगे यूएचबी कैसी दिखे प्रकृति के रूप में, इसमें नौगांव में एस्टेब्लिश किया है और इसमें जहां पेड़ पौधे पशु पक्षी और सभी अवस्थाओं का जो बात आती है उसको हम लोग जीने की स्टेज पर आ रहे हैं। यही हम लोग रहते हैं, अपने भोजन से लेकर अपनी यहाँ तक की जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर भी हमारा और हमारी पत्नी अरुणा सिंह वो भी जुड़ी है, बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे जो है हम लोग इसी के लिए समर्पित हैं। और एक अच्छी बात ये है कि जो आनंद मंत्रालय ने ये काम शुरू किया है उन लोग सभी लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं और जिस निष्ठा के साथ ने शिविर को आयोजित किया प्रकाश के द्वारा, वो हम पुराने साथी हैं और उन्हें लिंक उपलब्ध कराई तो मैंने करीब 12 से 13 लोगों को ये लिंक दी और वो लोग भी बड़ी जिम्मेदारी से सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। यूएचबी टीम ने जिस निष्ठा के साथ जो है, एक मूल्यांकन मेरा और हुआ कि सभी की बात जो है से कुछ ना कुछ मिलता है तो इस शिविर से मुझे बहुत कुछ मिला है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी लोगों को। और जहां भी मेरी उपयोगिता होगी, खासकर मैं ग्रामीण विकास में ऑफिसर रहा हूं लेकिन मैं इस्तीफा दे चुका हूं, फिर भी आनंद विभाग द्वारा गांव के प्रयोगों के लिए जहां भी मेरी उपयोगिता साबित होगी मैं सहर्ष रूप से परिवार सहित निष्ठा सहित जो है उस काम को करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, भानु भैया को खासकर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते भगवान जी। हेलो भैया, अभी 15 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, 3:15 बजे से 3:30 बजे तक।
और जी, जी, के बाद जब हम आएंगे ना तो फिर दीप्ति गौर दीदी ने माइक अनम्यूट किया है, दीप्ति दीदी जी, जी, बात को हम लोग सुनेंगे। तो दीदी जी 15 मिनट है, पानी वगैरह पी लेते हैं हम लोग, है ना? जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। फिर आप भी शेयरिंग के साथ शुरू करेंगे बात, है ना? जी जी, थैंक यू जी जी, ठीक है, ओके। नमस्ते गंगारा जी, यह शायद बायोटेक के लिए भी है। हाँ, आप अपना वो व्हाट्सएप चेक कर लीजिए आरती सिंह जी। जी जी, ठीक है भैया, देख लिया मैंने, अनिल भैया से बात हो गई। जी बढ़िया, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है भैया, इसलिए आवाज नहीं आ रही है, बाकी आपकी आवाज आ रही है। जी भाई साहब, अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया हुआ है, जिससे कि जो लोग यदि कुछ पानी वगैरह पीना चाहें तो वो कर सके।
सभी को नमस्ते। कार्यशाला के अंतिम सत्र में सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि अभी इसके पहले भी हम लोग स्वमूल्यांकन और प्रतिबद्धता के बारे में आपके जो भी विचार हैं उनको सुन रहे थे, और इसके लिए जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके सामने हैं। मैं एक बार फिर से ध्यान दिला देता हूँ, समय का ध्यान रखें, 3 से 5 मिनट में बात को पूरा कर लेना है, है ना। तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय आपका अपना, संक्षिप्त परिचय के बाद इस कार्यशाला के माध्यम से आपकी जो व्यक्तिगत उपलब्धि रही है, कोई भी 3 प्रमुख प्रस्ताव जिन्हें आप जांच पाए और इस कार्यशाला के दौरान जिनका आप प्रयोग कर पाए, और कार्यशाला को करने के पहले और अब अपने विचारों में जो बदलाव को आप देख पाते हैं उसे आप रख सकते हैं। ये जो पूरी विषय वस्तु आपके साथ प्रस्ताव रूप में साझा की गई है, इसकी प्रक्रिया में और इस पूरे विषय वस्तु में आप जो सार्थकता और संभावना देख पाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और परिवार संस्था और समाज और प्रकृति के स्तर पर, और ये पूरी कार्यशाला आपने की है, बहुत कुछ ध्यान आपका गया है इसमें, इसमें आपकी क्या प्रतिबद्धता है और क्या योजना है, तो इस पर आप अपने विचारों को रख सकते हैं। और एक फीडबैक फॉर्म भी आपके साथ साझा किया गया है, तो उसके माध्यम से आप और विस्तार से अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर संक्षेप में अपनी बात को रखना है जिससे कि समय का हम सदुपयोग कर पाए, और आपका धन्यवाद हमने पहले ही स्वीकार कर लिया है, है ना, और आपकी भी बहुत सराहना है। तो धन्यवाद ज्ञापित करने के बजाय अगर आप अपने स्वमूल्यांकन पर केंद्रित रहेंगे तो हम लोग समय का सही सही ठीक ठीक सदुपयोग कर पाएंगे। तो दीप्ति दीदी ने अपना हैंड रेज किया था, दीप्ति दीदी के पास माइक था। दीप्ति दीदी, आपको हमने बुलाया था अपनी बात को रखने के लिए, अभी भी आपके पास माइक है, अपनी बात को आप रख सकती हैं। हेलो जी दीदी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर दीप्ति गौड़ गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल मुरार ग्वालियर से बात कर रही हूँ, और लगातार 5 दिन से इस ट्रेनिंग में जुड़ी हुई हूँ। मैं शिक्षिका के साथ साथ एक कवयित्री भी हूँ, और अपनी रचनाओं में भी कुछ रिश्तों की, संवेदनाओं की और जो सामाजिक समस्याओं उनकी बात करती हूँ मैं स्टूडेंट्स के बीच में भी। और ट्रेनिंग से जुड़ करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी मैं बहुत देर से ज्वाइन करना चाह रही थी, बोलना चाह रही थी, लेकिन अभी वो इसको स्कूल में बुला लिया गया, तो रास्ते में थी और सुन भी रही थी कि मैं, मुझे मतलब बोलना है इसमें, तो फिर मैं अभी बोलने के लिए फिर मैंने कहा बोलूंगी जरूर इसमें। जी दीदी, और जो ये 3 बिंदु है ना, इनका ध्यान रखते हुए अपनी बातों को आप साझा कर दें। बिल्कुल 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 सर, हाँ हाँ। तो जैसा कि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा तो परिवार और समाज सभी का एक प्रमुख पार्ट है, तो हमने, मैंने इसमें ना संस्कारों पर और शिक्षा पर आपकी जो बात वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, कि इसमें अगर हम सही समझ है तो सही समझ ही सबसे ज्यादा समाज को एक सूत्रता में बांधने के लिए और समस्याओं को दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अगर हम बच्चों में सही समझ विकसित कर लें, परिवार में सही समझ विकसित कर लें, तो निश्चित तौर पर जितनी भी समस्याएं हैं वो सब का सॉल्यूशंस निकल सकता है। दूसरा, आपने बहुत सारी बातें पदार्थ को लेकर के और परमाणु अणु अणु रचना इन सब पर चर्चा की, तो बिल्कुल दार्शनिक तरह का प्रशिक्षण लग रहा था ये दर्शन शास्त्र जैसा, क्योंकि ये दर्शन ही है, अगर हम इसको अपने जीवन में अपना लें तो जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम मतलब समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे कि चार्वाक दर्शन में हम पढ़ते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम लेत्वा घृतम पिबेत, यानी कि अगर हमको जीना है तो बहुत इन मतलब अपनी सब प्रेजेंट में रह करके जीना है और सब सुख सुविधाओं का अच्छे से उपयोग करना है। तो मुझे लग रहा कि ये कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को अगर हम अपने जीवन में, परिवार में, शिक्षा में, अपने विद्यार्थियों के बीच में सभी को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने सुबह भी अपनी चर्चा में मुझे मैंने बोला था कि अगर हम नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को अगर अपने पाठ्यक्रम से जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है सर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतने आपके जो हमारे जो प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर्स हैं, आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा योग्य और बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं,
तो आपकी जो व्याख्यान कला है उसके भी हम कायल हैं सर। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, राजानंद संस्थान का भी, कि आपने इतना अच्छा प्रशिक्षण हम सभी टीचर्स के लिए आयोजित किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद दीप्ति जी, धन्यवाद जी। राकेश जी बात रखना चाह रहे हैं, राकेश जी। जी जी सर, नमस्ते जी। नमस्ते सर, आनंद संस्थान के सभी अधिकारियों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार की कार्यशाला को इन्होंने संचालित के जो संबंध में मेरा एक ही जी। हेलो, आपकी आवाज थोड़ी कट रही। जी हाँ जी, हाँ मैं राकेश वर्मा खरगोन सर। कार्यशाला के माध्यम से जो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, जो तीन प्रमुख प्रस्ताव है जिन्हें स्वयं जांच में और प्रयोग कर पाए, तो सर्वप्रथम तो मैं मानव जीवन के बारे में कहना चाहूंगा कि मानव जीवन मिला है हम। आपकी आवाज बीच बीच में जा रही, तो इसे क्यों ना हम अच्छे तरीके से जिया जाए और सही रत्न। इसके साथ साथ जो परिवार समाज में हम लोग एक जुट रहकर और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ काम करते रहें। अभी हम मेरी एक कहानी थी पिछले साल कोरोना की, हमारे यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी थी, किसी ने भी बैंक का कियोस्क नहीं चलाया, पर हम दोनों पति पत्नी ने पूरे निस्वार्थ भाव से दिन रात एक करके जो कियोस्क पे जो आते थे महिलाएं, वो चाहे पुरुष हो, बच्चे, जो भी पैसे निकालने आते थे, हमने उनको मास्क भी बांटे और पैसे भी निकाल के दिए। बहुत परेशानी है, हमें बैंकों के चक्कर काटना पड़ा, बट हमने पीछे नहीं मुड़ के देखा। और इसी के लिए हमने जो समाज के लिए एक नया चीज की वो यही की है, निःशुल्क भाव से। राकेश जी, अपन थोड़ा सा ये इसको अभी जो कंटेंट है उस पे, जो अपना कंटेंट है जिस पे अपन ने ये कार्यशाला की, जी जी, उसी पे थोड़ा सा अपन चर्चा रखें। जी सर, जी सर, जी सर। सर इसके भी जो पहले मेरे विचार थे कि जो जितनी भी मैं सेवा करता था समाज में, अब आज ये पांच साल जो पांच दिन की जो मैंने कार्यशाला अटेंड करी है, अब तो सर तो और दिल इच्छा है कि अब और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो इस प्रकार के प्रोग्राम में। जी जी, बढ़िया। हेलो जी जी, हाँ नेटवर्क, हाँ आपका नेटवर्क बार बार आवाज चलो में। जी 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 सर, जी सर, ठीक है, ठीक। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। महर्षि माथुर जी हैं, सुनीता हरचंद सिरतुरे जी हैं, विक्रम यादव जी हैं, राजीव तिवारी जी हैं, प्रदीप कुमार जी हैं। जी प्रदीप जी, महर्षि जी, हाँ आप, हाँ प्रदीप सर। जी प्रदीप जी, हाँ जी, नमस्ते। मैं सर बहुत देर से इंतजार में ही था सर। जी जी, काफी समय से। मैं सर ये कह रहा था, मैं प्रदीप जैन जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन ग्वालियर में हूँ सर, और मैं पिछले पांच सालों से आनंद विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। ये यूएचपी का जो कोर्स किया मैंने सर, ये एक अलग तरीके का समझ और एक अच्छी तरीके से उस चीज को स्पष्ट करने का बहुत बड़ा माध्यम लगा मुझे, और मैंने लगातार पांच दिन तक इस कार्यशाला में इसको बहुत उपयोगी पाया है। और जो प्रस्ताव जिसके माध्यम से अपन जांचने का और प्रयोग करने का जो तरीका बताया गया, चाहे मानव में हो, चाहे परिवार में हो, समाज में, इसके माध्यम से जो मुझे क्लियरिटी मिली है, वो एक नई दिशा और दशा के लिए बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें। और मैंने इसे स्वयं में भी चेक किया, जहाँ पे मुझे वो होती थी प्रस्ताव में, जब मैं कोई बात रखता था तो एक उसके रूप में रखता था कि मानने के रूप में, जबकि एक प्रस्ताव के रूप में जो इसका तरीका है, जो उसमें सहमति बनाने का एक आधार है, वो एक मुझे लगता है कि समाज, परिवार और पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी है। इससे पहले मेरे जो विचार थे वो एक अलग तरीके से थे कि मैं ही जानता हूँ, और मेरे जो विचार है वो जांचे हुए हैं, परखे हुए हैं, इसलिए आपको जांचने की और परखने की जरूरत नहीं है। जबकि अब जब मैंने यूएचबी का कोर्स किया है, तो इसके बाद जो मेरी एक क्लैरिटी समझ बनी है
कि अपन किसी भी संबंध है या सुविधा है या साधन है उसको एक प्रस्ताव के रूप में अपन देंगे, उसे बदलाव का एक अलग तरीका इसमें हो सकता है। तो मेरे में एक नई दृष्टि मिली है, मुझे एक समझ मिली है, और ईएचपी कोर्स के बाद जो नए नए शब्द मेरे जीवन में आए हैं उनकी वजह से जो जो चीजें थी वो बहुत स्पष्ट रूप से और सार्थक रूप से बदलाव का कारण बन रही है मेरे जीवन में, जो कार्यशाला से पहले शायद नहीं चीज नहीं स्पष्ट था। और इस प्रक्रिया को जो संभावना मैं इसमें देखता हूँ कि जिस तरीके से मेरा शिक्षा भाग से तालमेल है और मैं यहाँ लगभग मध्य प्रदेश के प्लानिंग में भी हूँ, एजुकेशन में चूंकि डिवीजन में हूँ तो 8 जिले जुड़े रहते हैं, तो बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन का ये कारण भी बन सकता है। और बच्चे जिस तरीके से मानसिक परेशानी से लाइफ स्किल से जूझ रहे हैं उसमें एक सुधार का एक तरीका भी एक यूएचपी के माध्यम से और आनंद संस्थान के माध्यम से जो अपन दे रहे हैं आनंद सभा में वो हो सकता है। तो मेरी प्रतिबद्धता इसमें यह है कि मैं अधिक से अधिक छात्रों तक इसमें पहुंचूं और जो आपकी तरफ से जो मुझे जानकारियां और जो परिवर्तन मैंने अपने में स्वयं में किया है उससे माध्यम से वो प्रस्ताव के रूप में बच्चों तक और जिन लोगों तक मेरी आवश्यकता है जहाँ पहुँच है मेरी वहाँ तक पहुँचवाने का माध्यम बनूं सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू प्रदीप जी। विक्रम यादव जी का माइक ऑन है। जी भैया प्रणाम सभी को। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इस कार्यशाला से भैया हमको ये समझ आई है कि सम्मान क्या है, इसमें ठीक ठीक पहचान हो पाई। अभी तो हम सम्मान को जे मान लेते थे कि कोई भी फोर व्हीलर से आया तो उसका सम्मान अच्छा हो रहा है और हमारा नहीं हो पा रहा है, इस पर क्लियरिटी आई है। और सुख क्या है, सुख तो हमारे स्वभाव में ही है, इस पर ठीक पहचान हो पाई है। इस पर जिस प्रकार से भैया ने बात रखी वो बिल्कुल सराहनीय थी, वो छू गई और इस पर काम होने लगा है। और योग्यता, अभी तो योग्यता पे भी काफी स्पष्टता हुई है, अभी चीजों को समझ रहे हैं। अभी तो सारा ध्यान सुविधा की ओर केंद्रित था, अब धीरे धीरे समझ आने लगी है। और मैं छतरपुर के नौगांव से ग्रामीण तकनीकी कला संस्थान से हूँ, अपनी समझ को बढ़ाकर आगे समाज में कैसे जाए उस पे प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद विक्रम जी। महर्षि माथुर जी। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते। जी तो मेरा नाम महर्षि माथुर है और वर्तमान में मैं एमए हिस्ट्री का छात्र हूँ और मैं यूएचबी को भगवान सिंह परमार जी के माध्यम से मैंने यूएचबी को जाना समझा और मैं यूएचबी का ऑनलाइन सेशन से भी जो सुबह चलता है उससे जुड़ा हूँ काफी टाइम से। तो जो ये कार्यशाला से जो मुक्ता मुझे जो चीजें ध्यान में आई वो है कि जो हमारी इच्छा विचार आशा है उस जो हमारी अभी मान्यताओं और संवेदनाओं से अभी चलती है तो उसको हम और बारीकी से उसको देखना है कि अभी कौन सी मान्यताओं से कौन सी संवेदनाओं से चलती हैं और जो पुराने संस्कार भी गहरे बैठे हैं उन्हें भी देखना है और जो स्मृति जो पुरानी स्मृतियां जो अब कोई उपयोग की भी नहीं है फिर भी उनको हमने दिमाग में संजोए रखा है मन में तो उनको भी हमें पहचानना है और उनसे भी हमें उबरना है। और दूसरी बात जो ये है कि अगर हमें संबंध का निर्वाह करना है तो हमारे अंदर ही संबंध पहले सुनिश्चित हो, हम संबंध को समझे। जैसे कि भैया ने भी बताया कि हम अभी स्कूल से लेके फिर कॉलेज से लेके 20-22 साल हम सिर्फ सुविधा के संग्रह के लिए ही शिक्षा पाते हैं लेकिन ना तो कभी हमने संबंध को समझा, संबंध क्या है और फीलिंग्स क्या है, ना हमने इसका कभी अध्ययन किया। तो आज जो संबंध खराब हो रहे हैं वो तो स्वाभाविक ही है क्योंकि कभी संबंध को समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो पहले संबंध को समझना है। और जो एक और चीज ऑब्जर्व की कि अगर हमें जिम्मेदारी का भाव बना रहे और हमको कोई अगर काम दिया जाए तो हम और अधिक ऊर्जा से जिम्मेदारी से करते हैं, मैं और शरीर के फर्क और आवश्यकताओं में भी और ज्यादा क्लियरिटी हुई। दूसरा सम्मान और ध्यान आकर्षण में फर्क है, ये चीज और अच्छे से क्लियर हुई कि जिसको हम अभी सम्मान समझते हैं वो वास्तविक में ध्यान आकर्षण है और प्रकृति में एक चक्रीय व्यवस्था है तो हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना है बल्कि इसका संवर्धन और पोषण करना है और वो चक्रीय व्यवस्था में अपनी भागीदारी देनी है और मानव का जो मूल्य है वो उसकी भागीदारी में है। ये कुछ बातें मुझे क्लियर हुई। और इसकी संभावना, यूएचबी की संभावना और आनंद विभाग के साथ जो यूएचबी का जो ये कार्यशाला, इसकी संभावना तो स्वयं के स्तर पर तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, बाकी इसका परिवार में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है जो बाकी भैया लोगों के शेयरिंग से देख पा रहा हूँ। समाज में प्रकृति में भी अगर ये चीज
फॉलो की जाए तो ये इससे समाज और प्रकृति में भी बहुत उपकार होगा। और जो मेरा प्रतिबद्धता है तो मैं अब ये है कि मैं बच्चों के बीच में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये शिक्षा संस्कार का बीज बच्चों में जाएगा तो और भी तेजी से फैलेगा, क्योंकि जो वयस्क लोग होते हैं या बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनकी तो बहुत सी मान्यता पक्की हो चुकी होती है, लेकिन बच्चे अभी इसको बहुत तेजी से पकड़ते हैं और उनको चीजें और ज्यादा क्लियर होती है हम लोगों से भी अच्छी। तो मैं मेरी प्रतिबद्धता है या योजना भी है कि बच्चों के बीच में इसको और फैलाया जाए। तो इस तरीके में अपनी बात बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी शेयरिंग रही जी। स्वयं के स्तर पर आप तो कार्य कर ही रहे हैं अपने समझ को बढ़ाने में और सही के अर्थ में जीने में, और आपकी प्रतिबद्धता जो है बच्चों के साथ इस पूरे विषय वस्तु को साझा करने की स्वागत योग्य भी है। तो आगे भी जुड़े रहिएगा, आपने पहले भी कार्यशालाएं की ही हैं। जी 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 नमस्ते जी, नमस्ते। उर्मिल दुहिया जी आपके पास माइक है। उर्मिल दुहिया जी, बदेही त्रिपाठी जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्ते दीदी, नमस्ते। मैं उर्मिला। नमस्ते सर जी। उर्मिल जी, उर्मिला जी को सुन लेते हैं दीदी, फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सर। मैं उर्मिला दुहिया शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला गोपालपुर विकास खंड बड़वारा जिला कटनी से हूँ। मैंने मुझे UHV से बहुत चीजें सीखने को मिली, कुछ सीखी हूँ और कुछ अपने आप में उतारूंगी अपने जीवन में, और जो सीखा है उसे अपनी शाला तक लेके जाऊंगी, है ना। पहला इसमें है, दूसरा कार्यशाला के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या हुई सर। इसमें सबसे पहले मैं इसमें तीन प्रस्ताव देना है, तो इसमें मैं मुझे सहज स्वीकृति है जो बहुत अच्छे से समझ में आया है, और इसमें संबंध जो थे मेरे बिगड़े हुए मैं इसमें बहुत ज्यादा सुधार करने की योग्यता रखने वाली हूँ आगे चल के। और जो दूसरे दिन हमें मानव की मूल चाहना जो हमें बताया गया था, तो इसमें भी मैंने अपने ज्ञान की उपलब्धि को बढ़ाया है। और जो तीसरे दिन संबंध के 9 भावों को जो बताया गया था उसमें मेरे को बात कर ली उसने फ्रेम, इसके अंतर्गत मैंने अपने को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, और इसको बार बार मैंने कमेंट्स भी किया था कि इसे दोबारा रिपीट किया जाए, तो आप लोगों ने किया जिससे मेरी समझ विकसित हुई है। तीसरा, मैं आपके विचार पहले और अब क्या है, तो मेरे विचार पहले बहुत खराब थे दूसरों के प्रति, पर जब से मैं आनंद विभाग से जुड़ी हुई हूँ मुझे 2 साल हो गए हैं, और मैं अपने ब्लॉक से उपाध्यक्ष के रूप में भी चुनी गई हूँ और इसमें, और मैं अच्छा कार्य भी कर रही हूँ। और पहले मेरे में ऐसे दूसरों के प्रति ऐसी भावना नहीं थी कि मैं किसी की मदद करूँ या किसी के काम आऊँ, और मैं अपने में ही परेशान रह आती थी, पर मैं जब से अनिल कांबले जी के माध्यम से मैं इस विभाग से जुड़ी हुई हूँ तब मुझ में आत्मसंतुष्टि बहुत आई है, और मैं दूसरों के सहयोगात्मक रूप से सहयोग करने की अपेक्षा रखती हूँ। फिर है इस प्रस्तावना और प्रक्रिया में आप जो सार्थकता और संभावना मैंने जो इसमें परिवार के प्रति जो मेरी है, जो मेरी संस्था है, मूल संस्था है या समाज की या प्रकृति में, मैं पहले तो अपने को परिवार के ही योग्य समझती थी, वैसे मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं एक अनाथ बालिका हूँ, और दूसरों के संरक्षण में रहे आके आज मैं नौकरी पे आई हूँ। तो मैंने फील करती थी, और जब से नौकरी पे आई हूँ तो मुझे मैं बहुत मतलब निकल नहीं पा रही थी उस जो मेरे बीते हुए काल से, पर मुझे निकालने में अनिल कांबले जी का बहुत अच्छा हाथ रहा, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मैं आज संस्था में शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने बहुत ही ज्यादा प्रगति किया है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, और आप लोगों से तो मैं बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि मेरे इसके पहले ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठी थी और ना ही मैंने ऐसे लोगों से कभी संपर्क किया था। तो मेरे में जो जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं आए हैं आप लोगों से मिलके, तो मैं उसे अपने जीवन में निरंतर उसका उपयोग करूंगी और दूसरों के बीच में भी लेके जाऊंगी। फिर जो संस्था है मेरी, मैं
छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं अभी भी, मैं अभी भी प्रेजेंट में स्कूल में ही हूँ और एक दूसरी मीटिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करके रखी हूँ और आप लोगों से भी जुड़ी हूँ। तो मैं ये जो योजनाएं आप लोगों ने मुझे यहाँ पे शेयर किया बताया है, जिस माध्यम से बताया, आज की भी जो कार्यशाला थी तो उसमें जो क्या नाम वैल्यू के बारे में समझाया गया तो मुझे बहुत अच्छा, विज्ञान से जोड़ते हुए उसे बताया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुमार भाई की मैंने सारी बातों को सुनी और आत्मसात की, इसके लिए मैं पूरी टीम को, यूएचबी की टीम को सादर धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, नमस्कार सर। जी नमस्ते दीदी, बढ़िया रहा, आपकी समझ बनी और आप अपने जीने में सार्थकता को देख पा रहे हैं। वैदेही दीदी आपके पास माइक है, वैदेही जी आप अपनी बात को रख सकती हैं। संतोष सराया जी के पास भी माइक है, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। वैदेही त्रिपाठी जी, संतोष सराया जी, जय प्रकाश आनंद जी, जेपी आनंद भाई साहब से तो बात हो गई है, ज्योत्सना सूद जी का भी बहुत समय से हैंड रेज है। जी भैया बिल्कुल बुला लीजिए, बुला लीजिए। ज्योत्सना सूद जी, राजीव तिवारी जी, अतुल कुमार राजादा जी, संतोष जी, हाँ संतोष जी, मैं बोलूं? नमस्कार, ज्योत्सना जी को सुन लेते हैं पहले फिर बात। नमस्कार सभी साथियों को, मैं ज्योत्सना सूद दिल्ली से जुड़ी हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, पहले थोड़ा टाइम मैंने प्राइवेट कॉलेज में मैं एज अ लेक्चरर मैंने काम किया है, एनटीटी कॉलेज में, फिर मैंने अपने किसी व्यक्तिगत कारणों से मैंने जॉब छोड़ दी थी। अब मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने यूएचवी की मैंने 3 कार्यशालाएं अटेंड कर ली हैं। एक मैंने ऑफलाइन की थी भोपाल में, सत्य प्रकाश सर जी के ने लिंक भेजा था मुझे, तो उनके थ्रू उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और कार्यशालाएं ज्वाइन करने के बाद मेरे एक तो समझ बड़ी है, सही समझ को मैं समझने लगी हूँ और दूसरा मैं दूसरे की चाहना को समझने लगी हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुझ में धैर्य की कमी थी, मैं दूसरे की चाहना को नहीं समझ पाती थी, उनकी योग्यता को ही समझ के उनको जज करती थी, तो वो मेरे अंदर आई है, उससे मेरे मन में बहुत शांति आई है, क्योंकि मैं दूसरे की चाहना को ना समझ के मैं क्रोधित बहुत होती थी और कोई भी किसी से गलती होती थी तो चाहना तक नहीं पहुंच पाती थी, उसमें मैंने सुधार किया है। और मतलब लोग भी मेरे जो व्यक्तित्व में जो चेंज आया उसको नोट कर पाते हैं, मेरी भाषा में, मेरे बोल चाल में जो काफी फर्क आया है दूसरे के बारे में समझने की वजह से। अब मैं वो गलतियां नहीं दोहराती, दूसरे को जज नहीं करती। और परिवार में मैं जो भी बात करती हूँ, पहले मैं क्योंकि मैं गृहिणी हूँ तो मैं अपनी बात को बड़ी उससे रखती थी, लेकिन अब मैं प्रस्ताव देती हूँ, चाहे परिवार में चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में, समाज में, मैं प्रस्तावित करती हूँ कि अब मेरा ये प्रस्ताव है, आप चाहे अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ओके। तो मेरे ये मेरे व्यक्तित्व में, मेरे विचारों में ये बदलाव आया है। और इसके अलावा मैं और आगे भी मैं इस पथ पर चल पड़ी हूँ, तो और आगे भी मैं संबंधों में की गहराई को मैं समझ पाई हूँ और जो समृद्धि के का असली मतलब मैं समझ पाई और सुविधा को कैसे अपनी जरूरत के हिसाब से सुख सुविधा को और जो भी चीजों को जो कलेक्ट करना है उसको मैं समझ पाई, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कोशिश करती हूँ निकालने की, ताकि जो जिनके लिए इसकी जरूरत है उनको मैं दे पाऊँ। ये मेरे में थोड़ा सा मैंने अपने अंदर चेंज ला पाई हूँ और इस पथ पर और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं अपने व्यक्तित्व को और निखार सकूं। और अपने इसके अलावा परिवार में मैं बच्चों से भी, अब पहले जैसे रोज से बात करती थी
अब मैं प्रस्ताव रखती हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, उनको सिखाने की कोशिश नहीं करती। तो इस तरीके से घर में भी शांति आई है और जो मैं समाज में मेरा, मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे भी, जो मैंने सुबह भी कल या एक शेयरिंग की थी, तो मैं समय देख के और अपना उनको, उनकी सामने वाले की योग्यता को देख के, या तो मैं उनके बराबर आने की, अगर मेरी योग्यता कम है तो मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, और अगर सामने वाले की योग्यता कम है तो मैं उसको समय देख के उनके सामने प्रस्ताव रखती हूँ और उनकी योग्यता को बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। इतनी समझ मेरे अंदर थोड़ी सी आनी शुरू हुई है, अभी शुरुआत है, आगे भी मैं जो भी आपकी कार्यशालाएं होंगी मैं अटेंड करना चाहूंगी और अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में और बदलाव लाने की कोशिश करूंगी और समाज के लिए खुद को उपयोगी साबित करने की कोशिश करूंगी। प्रकृति में भी, संरक्षण में मैं पहले भी कोशिश करती थी लेकिन इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, अब मैं और ज्यादा ध्यान से पानी, जैसे नल है, ज्यादा खुले नहीं रखने, पानी को वेस्ट नहीं करना और पौधे वगैरह का ध्यान रखना, ये सब मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी तरफ मैंने एक कदम बढ़ाया है और धीरे धीरे और आगे बढ़ूंगी। और बाकी जो भी UHV के संबंध में जो भी मेरी प्रतिबद्धता है, जो भी मुझे समझाया जाएगा, जो भी मुझे कार्य अगर दिया जाएगा तो मैं करने के लिए तत्पर हूँ। बस मेरा यही कमी है मेरे अंदर कि मैं आउट ऑफ MP में हूँ, MP में नहीं हूँ, बाहर हूँ, इसलिए शायद मेरी इतनी प्रतिबद्धता को इतना ज्यादा वो नहीं माना जाता। बाकी मैं, मुझे जो भी कार्य दिया जाएगा मैं करने में सक्षम हूँ और कर सकती हूँ। और ज्योत्सना जी, आप कहीं भी हो, आपकी बिल्कुल प्रतिबद्धता है और आप हमारे सभी कार्यक्रमों में राजानंद संस्थान की ओर से शामिल रहती हैं, तो आप सब आनंदम सहयोगी और बाकी कार्यक्रमों में भी जुड़ी रही, इसलिए निश्चित रूप से आपकी प्रतिबद्धता को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और निश्चित रूप से आपको याद करते हैं। सो थैंक यू सो मच HUV की टीम को भी और राजानंद संस्थान की टीम को भी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। धन्यवाद 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 ज्योत्सना जी, थैंक यू सो मच। संतोष जी का माइक ऑन था जी। संतोष जी, नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस सत्र से जुड़ने के बाद मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं SK सरैया दोनों जिले से भी हूँ, मैं शिक्षक हूँ और मेरी ये प्रथम कार्यशाला है। मुझे मेरे दमोह जिले के मेरे सीनियर सर हैं मिस्टर रमेश व्यास सर और उषा व्यास मैडम, ये मेरे मार्गदर्शक हैं और इनके माध्यम से, इनकी प्रेरणा से मुझे इस कार्यशाला में जुड़ने का मुझे मौका मिला और उनकी प्रेरणा से मैं जुड़ पाया, और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से मैं इस कार्यक्रम में अपने व्यक्तित्व को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं अपनी योगदान में उनके कारण में मेरा एक मुझे मौका मिला। कार्यशाला के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि, तो मुझे लगता है कि इस कार्यशाला के माध्यम से मुझे तो काफी उपलब्धि हासिल हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मैं NSS से जुड़ा रहा हूँ और NSS का कार्यक्रम आधिकारिक रूप में जुड़ा हुआ भी हूँ, और हमारे जो NSS के सिद्धांत पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं, और उसका मोटो भी है मुझको नहीं तुमको, नॉट मी बट यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का भाव NSS से भी सीखा है और मैंने बच्चों को भी उसकी प्रेरणा दी है, लेकिन इसके माध्यम से भी मैं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने और भी कुछ सीखा है, और इसके माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि मैंने विद्यार्थी बन के सीखा है अभी, और पहले तो मैं प्रोग्राम ऑफिसर की हैसियत से अपनी बात रखता था। मुझे ऐसा लगा, जितने लोगों को मैंने सुन रहा था अभी, इसके पहले सूद मैडम को सुना और एक मैडम रुमला को सुना, काफी भावुक हो गए सर कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मैडम है जो कह रही हैं अपने आप को कि मैं अनाथ हूँ, और देखिए और कितने मार्ग के बाद उन्होंने की, और उसके बाद भी उनका जज्बा, मैं सलाम करता हूँ, उसके बाद भी सीख रही हूँ।
लॉकडाउन में है और हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हो गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे ऐसा लगा इतने सरल शब्दों का सरलीकरण आप लोगों ने किया और आप इतने सरल तरीके से शायद स्वीकृति है और आपका आपका समझ है, संबंध है, सुविधा है और समृद्ध होते समृद्धि की पहचान में कर सका और भी कई ऐसे मुझे मौका मिला समझने का और मुझे ऐसा लगा कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग इफ इट स्टॉप्स लाइफ स्टॉप्स। तो मुझे ऐसा लगा कि जितने भी शिक्षक विद्वान या जितने भी विभागों के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं वे सभी सीखने की ललक करते हैं, इसीलिए वो सीख पाए और मुझे में भी वो ललक और भी पैदा हुई है और मुझे लग रहा था कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा लगा कि मुझे सीखना ही पड़ेगा और तब कहीं मुझे अभी सीखने का काफी गैप बाकी है तो मैं सीखता ही रहूंगा और मुझे लगा कि मैं आपको अपने विचार काफी बदलाव आया है मेरे विचारों में इस कार्यशाला को अटेंड करने के बाद में मैं बहुत अपडेट हो गया हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि मैं मुझे बहुत कुछ ज्ञान है और मुझे सबकी आवश्यकता नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों जो मैंने इसको अटेंड किया और मुझे बड़ी शिद्दत से अटेंड किया। पहले मैं सोच रहा था सर कि मैं घर में रहना है और जो है कार्यशाला अटेंड करना है तो मैं मस्ती भी करूंगा और दूसरे काम ही निपटाऊंगा और ऐसा करूंगा लेकिन यूं ही मैं इस कार्यशाला में जुड़ा और पूरे टाइम मुझे पता नहीं चलता था कि धनवान मेरा समय कैसे निकल गया। 9:30 से 4:30 बजे तक 5 बजे तक तो बहुत व्यस्त रहता था और ऐसा कि मैंने पूरी आप साथ किया है मैंने और आप सब लोगों ने इतने सरल शब्दों में और सभी सभी टॉपिक को इतने सरल शब्दों में समझाया आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। परिवार व्यवस्था पर जो आपने विचार रखे बहुत ही श्रेष्ठ थे और आप पूरी टीम में जितने भी विद्वान मास्टर ट्रेनर्स हैं आप लोग बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं आप और मुझे विश्वास में आगे भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सत्रों से जुड़ूंगा और वर्कशाला से जुड़ूंगा और मैं अपने व्यक्तित्व में विकास करता रहूंगा आप लोगों के माध्यम से। और मुझे लगा कि UHV के संबंध में मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। इतने सारे लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं, इतने सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ये कितने लोगों को प्रेरित करेंगे जैसा कि आपने कार्यशाला के बीच में भी दिया था कि 1 × 10 और 10 × 100 बराबर 1000 और आगे भी उत्क्रम बढ़ता जाएगा गुणात्मक श्रेणी के रूप में। तो मुझे लगा कि बहुत लोग समाज में एक प्रेरणा का स्रोत ये कार्यक्रम बनेगा। पूरी टीम को, पूरे आनंद विभाग को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरित करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जी जी संतोष जी बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। राजीव तिवारी जी। सर नमस्कार, मेरा नाम राजीव तिवारी है, मैं सतना जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं शिक्षा विभाग में हूँ सर, माध्यमिक कार्य करते हुए CSE की इस समय दायित्व को निभा रहा हूँ, जन शिक्षक के दायित्व को निभा रहा हूँ। 20 दिन पहले मैं आपके संस्थान से जुड़ा हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं कटनी जिले से मिस्टर राजेंद्र असाटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को आपके इस प्रोग्राम से जोड़ा। 29 से लेकर के 3 तारीख तक मैंने अभी अल्प विराम का प्रोग्राम किया था और उसके बाद 13 तारीख से 17 तारीख तक आपका ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, ये मेरे 20 दिन में मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है सर। इसके लिए सबसे पहले तो मैं राज्य आनंद संस्थान प्रवीण सर की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इतना अच्छा कोर्स मॉड्यूल उन आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है AICT की पूरी टीम की तरफ से। आपने ये पहला प्रश्न ये है कि कार्यशाला के माध्यम से आपके व्यक्तित्व की क्या उपलब्धियां हैं या 3 प्रमुख प्रस्ताव जिन्हें आप जांच पाए। सबसे अच्छी चीज मेरे को यही लगी सर कि आपके यहाँ से ना भी कोई आदेश दिया गया और ना ही कोई उपदेश दिया गया, बल्कि प्रस्ताव के माध्यम से चीजों को हमें एक प्रपोजल दिया गया जिसे हम जांचें और जांचने के बाद अपनी कसौटी पे उसको चेक करें उसके बाद माने। मेरे को पहला प्रस्ताव जो आपका सबसे अच्छा लगा वो सहज स्वीकृति के भाव का लगा, क्योंकि जब भी स्वीकार का भाव हमारे अंदर आ जाता है तो बहुत सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती है, तो जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है तो बहुत सारे प्रश्न भी हमारे घुल जाते हैं। मुझे ऐसा समझ में आया जब हम लॉ ऑफ नेचर को हमने समझा तो हमको समझ में आया कि लॉ ऑफ नेचर देने का होता है, लेने का भाव हमारा नहीं होता है।
प्रकृति कभी भी लेना नहीं चाहती है, वो देना चाहती है। इसके बाद जो मेरे को रियल चीजें समझ में आई, सुख और समृद्धि, इसको मैं बॉडी से बिलोंग करता था, लेकिन पहली बार मेरे को इस कार्यशाला में समझ में आया कि मैं अलग है, सेल्फ अलग है, चैतन्य अलग है, बॉडी अलग है। बॉडी के लेवल की जरूरतें अलग होती हैं और मैं के लेवल की जरूरतें अलग होती हैं, ठीक है ना। ये पहली बार मुझे समझ में आया, और पहली बार समझ में आया कि चाहना और करना में क्या फर्क होता है। बहुत सारी चीजें हम चाहते तो हैं अपने लिए, लेकिन लोगों के लिए वो चीजें हम नहीं कर पाते हैं। तो ये डिफरेंस मेरे को समझ में आया कि जो हम चाहते हैं वो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम देंगे वही हमको लौट करके वापस आने वाला है, तो हमको अपने करने में ध्यान देना पड़ेगा। ये मॉड्यूल मेरे को बहुत अच्छा आपका लगा सर। साथ ही साथ आपने संबंध और सुविधा में जो एक नया प्रस्ताव बताया गया था, ये संबंध और सुविधा को जब हम प्रस्ताव में उसको कसौटी पे जांचे, तो मुझे ये समझ में आया कि उभय सुख क्या होता है। और पहली बार मेरे को ये समझ में आया कि जीव चेतना में जीता हुआ पशु क्या है, मानव चेतना में जीता हुआ मानव क्या होता है, और जीव चेतना में जीता हुआ मानव क्या होता है। ये सारी चीजें, ये विरोधाभास जो थी ना, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हम अगर मानव चेतना में हैं तो हमको मानव चेतना में ही रियल मीनिंग मेरे को इस प्रोग्राम से समझ में आया। और आज मेरा भाव जो है वो देने का भाव बन रहा है। कि आपका अगला प्रश्न ये है कि यूएचबी इस प्रस्ताव की प्रक्रिया में आपको जो सार्थकता और संभावनाएं देखते हैं। निश्चित रूप से सर, पहले मोरल साइंस की कुछ किताबें चलती थी, नैतिक शास्त्र की कुछ किताबें चलती थी, जिनका पिछले कुछ सालों में हमारे कोर्स से बिल्कुल विलोपन हो गया। शायद कुछ लोगों का माइक चालू है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये यूएचबी के माध्यम से या आनंद संस्थान के माध्यम से जो आनंद बांटने की जो प्रक्रिया चालू की जा रही है, अभी जब से मैं करके आया तो राज्य आनंद संस्थान के द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को एक आनंद सभा आयोजित करवाई जाती थी, जो कि स्कूलों में नहीं करवाई जा रही थी, उसको मैंने फिर से चालू करवाया अपने पूरे ब्लॉक में। और रियल आनंद की क्या परिभाषा होती है, ये मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले समय के लिए मेरी प्रतिबद्धता ये है कि मैं आपके सारे कार्यक्रमों से जुड़ना चाहूंगा, सारे कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से अपना समय निकालूंगा। इस बार हमारे जिले में डैश की एक वो थी, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक था, उसमें मेरी ड्यूटी भी लगी थी 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, लेकिन उस ड्यूटी में करते हुए भी मैंने इस कार्यक्रम को लगातार किया, पूरा समय दिया, और मेरे को काफी सारी चीजें समझ में आई सर। ऑफलाइन कार्यक्रम जरूर मैं करना चाहूंगा इसका, जब भी होगा। और शुरू में आपने जो एक वीडियो दिखाया था, एक बच्ची का वीडियो दिखाया था, वो बच्ची ने बोला था छोड़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से छूटेगा। मेरा भी पूरा प्रयास रहा है कि कोई भी चीजें मैं छोड़ने ना पाऊं, सारी चीजों को आत्मसात करूं, और बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं जीवन में। और जो सबसे बड़ी चीज है, राइट अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बिल्कुल क्लियर हुई है कि किस प्रकार से हम संबंधों को वो करेंगे। बहुत सारी चीजें जो थी जिनको हम शाब्दिक रूप में तो सर समझते थे, क्या है वात्सल्य, क्या है प्रेम, क्या है, लेकिन इनकी जो रियल डेफिनेशन है वो इस प्रोग्राम के द्वारा समझ में आई है कि इन सब की रियल डेफिनेशन क्या होती है, रियल में ये शब्द क्या मायने रखते हैं। तो मैं एक बार पुनः स्वमूल्यांकन के लिए जो आपने समय दिया उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, और राज्य आनंद संस्थान की पूरी टीम को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इतना अच्छा कोर्स आप लोगों ने डिजाइन किया है। थैंक यू सो मच जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे लग रहा है समय हो रहा है तो हम किसी एक का और शेयरिंग लेके फिर हम बात कर सकते हैं। गंगराड़े जी, अपने पास में अब समय तो क्लोजिंग पे हो रहा है जी, तो आप लोग अगर कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स और आगे की कुछ योजना उसको शेयर करना चाहें, और अगर थोड़ा उसको ब्रीफ रखना चाह रहे हैं तब तो और लोग भी शेयर कर सकते हैं जी। ठीक है, तो क्लोज करना है जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि ये वेदही जी का और सुनीता जी का शॉर्ट में ले लेते हैं, फिर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अर्गल सर से, सर अपनी बात रख लेंगे जी। जी नमस्कार सर जी, शॉर्ट में अपनी बात। नमस्कार सर, मैं वैदेही त्रिपाठी टीकमगढ़ से हूँ, प्राथमिक शिक्षक, और मुझे यूएचबी का ये मेरा फर्स्ट सेशन है सर, और इस सेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला,
और बहुत सी चीजें मैं अपने आप पर प्रयोग कर रही हूँ, करने लगी हूँ। चार दिन से मैंने अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाया, विचारों को शांत रखा, और जो अपनी समझ है मैंने ये देखा है कि हर चीज को एक सहज स्वीकृति देनी है, और प्रेम वात्सल्य इसका हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ममता ममता को समझते थे और उसको वात्सल्य का नाम देते थे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सर आपने करेक्ट की हैं, और इसको मैं अपनी संस्था में भी जैसे कि लाऊंगी व्यवहार में, और कोशिश करूंगी कि अपने समाज को भी जैसा कि सभी की अपेक्षा है उसके अनुरूप कार्य कर सकूं। धन्यवाद सर, और मुझे इस सेशन से बहुत लाभ हुआ, मैं अब अपने आप को बहुत चेंज करने में सक्षम हो पाऊंगी। जी जी, बहुत ही बढ़िया आपने बात रखी अपने, धन्यवाद। और सभी जो हमारे साथी लोग हैं वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो चूंकि समय की कमी है और सभी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो ये हम हमारे जो इसमें सेशन के आखिरी में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि किस ढंग से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और जैसा राजुल भैया आप बता रहे थे कि अब हम इसको क्लोजिंग की ओर ले चलते हैं, तो एक सूचना ये है कि सभी साथियों के लिए कि वीकली हम लोग मीटिंग करते हैं इस पे UHV पे, बुधवार को 6 बजे से 7:30 बजे तक, तो उसमें हम लोग जुड़े रहेंगे। और आप लोगों को ये जो ग्रुप बने हुए हैं इस ग्रुप में हम लिंक डाल दिया करेंगे, उस ग्रुप से भी आप वो वीकली मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम हर बुधवार के दिन उस वीकली मीटिंग में चर्चा करते हैं, इस पे विस्तार से बात होती है और एक एक विषय लेते हैं उसमें, तो उस पे भी विस्तार से हम लोग बात कर सकते हैं। अभी कुछ हैंड रेज हैं, तो इनमें से अगर कोई अपनी शेयरिंग रखना चाहे, राकेश कुमार अग्रवाल जी हैं, कड़वा मंसारे साहब हैं, नीता शर्मा जी हैं, तो आप में से कोई, राजीव तिवारी साहब भी हैं। जी भैया, एक मिनट, इनको माइक प्रोवाइड करना होगा, तो राजू भैया अगर आप वो होस्ट बना दें तो। ये शक्ति मिश्रा जी से शुरू कर सकते हैं हम लोग। जी जी भैया, बस एक बार ना इनको भैया माइक प्रोवाइड करना होगा, तो वो माइक के लिए राजुल भैया आप अगर सुन पा रहे हैं तो अगर मुझे को होस्ट बना पाए। अच्छा ठीक जी, तो भैया आप नाम ले सकते हैं और उसके बाद फिर शक्ति मिश्रा जी, आपके पास माइक आ गया है, आप अपनी बात कह सकते हैं। जी जी नमस्कार सर जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही, आ रही, बोलिए। सर मैं नाम शक्ति मिश्रा ग्वालियर से, और मैं ऐसे डाइटिशियन कार्य करता हूँ ग्वालियर में, और एक साइंस टीचर के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ, और अपनी एक संस्था शक्तिराज के नाम से भी MP में प्रयास कर रहा हूँ कार्य करने का। और ये मेरी पिछले 4 वर्षों से आनंद संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ, और UHV की ये मेरी दूसरी कार्यशाला है, तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय। और जो व्यक्तिगत उपलब्धि मेरी ये रही है, उसमें पहली कार्यशाला में नियमित में रहा, पर उतना गौर से मैं उतनी समझदारी से मैं समझ नहीं पाया, पर इस कार्यशाला में मुझे बहुत मतलब गहराई से समझने का अवसर मिला, क्योंकि मैंने पूरा समय दिया इस बार, मैंने कि कुछ भी हो लेकिन मैं समय पूरा दूंगा। तो हाँ, मुझे ये उपलब्धि ये रही कि मुझे संबंधों के में जो समझ का आधार है उसमें जानने में और समझने में बहुत सहायता मिली, और जो भी कार्य मुझे करना है उसमें अब मैं समझ के आधार पर कार्य करने का प्रयास करूंगा, और इसमें जो भावों को लेकर, जो 9 भावों को लेकर मेरी जो पहले
इतनी क्लियरिटी नहीं थी, पर इस बार मुझे इतना समझने का अवसर मिला। उसमें भाव जो है उसमें प्रेम, विश्वास से लेकर प्रेम तक भाव, उनको समझने मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मुझे बहुत कार्य करना है इसमें, और अब इस पे मैं बहुत कार्य करूंगा भावों के ऊपर। और जो प्रस्ताव है, तीन प्रमुख प्रस्ताव, उसमें प्रारंभिक रूप से हमें शिक्षक के रूप में कोशिश करूंगा कि बच्चों तक भावों में स्पष्टता लाने की कोशिश करूं, और सहज स्वीकृति और समझ पे आधारित जो भी मैं कर सकता हूं वो करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अपनी कॉलोनी में और जो संस्था के माध्यम से भी जो शिविर कभी मैं लगाता हूँ को प्रयास करता हूँ, उसमें भी यूएसबी के माध्यम से जो मुझे सीखने का अवसर मिल रहा है वो मैं शिक्षा के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। पहले तो मैं खुद अपने आप में जो समझ अभी पूर्णता विकसित, मतलब इतने तो नहीं आया है, पर मैं आगे जो शिविर अटेंड करते करते, क्योंकि पहली में उतनी समझ विकसित नहीं हुई, इसमें थोड़ा अधिक हुआ, तो अभी मैं चाहूँ कि थोड़ा और मैं शिविर यूएचवी के माध्यम से उनको अटेंड करूं और अपनी समझ में विकास क्रमवार रूप से मैं करना चाहता हूं, उसको आगे भी मैं शिक्षा के माध्यम से बच्चों में और लोगों में देने का प्रयास करूंगा। और अपने विचार में पहले की तुलना में इस बार मेरे विचार ज्यादा स्पष्ट रूप से हो सके हैं, क्योंकि भावों में स्पष्टता आई है और संबंधों में जो कड़वाहट और मन में जो बेचैनी थी वो भी समझने मुझे बहुत मतलब अवसर मिला है। तो विचार में बहुत बदलाव अभी पूर्णता नहीं आया है, पर मैं हाँ सोच में चेंजेस आए हैं, और मैंने जो इसकी जो पिक्स भी लेता रहा हूँ स्लाइड की, तो वो बार बार मैं देख कर मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो चूक कहाँ हो पा रही थी उसको आगे मैं नहीं दोहराऊंगा। प्रस्तावित और जो यूएसपी के माध्यम से जो है संबंध में आपकी विशिष्ट प्रतिबद्ध योजनाएं, तो मैं अभी प्रारंभ में अभी अपनी समझ विकसित ही कर रहा हूँ, तो यूएचपी में कार्यशाला और अटेंड करना चाहता हूँ, अवसर मिले तो ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि फेस टू फेस और ज्यादा समझने का अवसर मिलेगा, और इसमें अगर मेरी कोई मैं योगदान दे सकता हूँ तो उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और अपना प्रयास में पूरा करने की कोशिश करूंगा। बस यूएसपी टीम और आनंद संस्थान की ओर से मुझे अगर अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं अपना पूरा समय और दिल से कार्य करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जी आप, यही मैं शेयर करना चाहता था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी समझ में बहुत अंतर आ रहा है और आगे भी पूरा प्रयास करूंगा अंतर लाने का। जी सर नमस्ते, बहुत अच्छा शक्ति भैया जी। राजेश कुमार अग्रवाल जी का हैंड रेज है, दे सकते हैं जी, आपके पास माइक है, बात कर सकते हैं। राकेश भैया आप माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हेलो सर, ठीक है, नीता जी स्वागत है जी। सर आज के इस कार्यक्रम में जो सभी लोगों ने सहभागिता दी, सभी ने अपने अपने प्रस्ताव रखे, तो इन सबको हम दो चार शब्दों में गुनगुना के प्रस्तुत करना चाहते हैं। सर गा सकते हैं थोड़ा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कुछ वो रख सकें ऑब्जर्वेशन तो भी ज्यादा उपयोगी होगा, आप गीत के बाद रख दीजिएगा। हाँ सर जी, ये सर उसमें प्रकृति और ये सारी चीजें हैं संसार के बारे में जो अपन ने अभी सीखा है, समृद्धि सुख सब कुछ, तो उसके बारे में दो चार लाने ही गुनगुनाना चाहती हूँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में,
सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, हो मितवारे क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। और सर दो पंक्तियां और दूसरे भाव में है। यही बंदना है प्रभु से बारंबार, हमारा देश फूले फले, यही बंदना है प्रभु से बारंबार, हमारा देश फूले फले, फूल पलास बन बेग अमराई, कोयल कूके पपीहा की बोली सुहाई, एक तार में अनेक झनकार, हमारा देश फूले फले, नए वर्ष की नई भावना जगाओ, प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ, मिले गुरु चरण कमल का प्यार, हमारा देश फूले फले। थैंक यू सर। हाँ नीता जी, कुछ अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में बात करना चाहेंगे? जी सर। सर हमें प्रकृति की हर एक चीज से प्यार है, नदी जल तालाब पेड़ पौधे पक्षी पशु, और हम सादा हमेशा ये मतलब लोगों को समझाते हैं कि मतलब आप सब लोग शाकाहार अपनाएं और हमारी कल्पना शक्ति ऐसी बना के रखें कि जिसको हम बना नहीं सकते उसको मिटाना भी हमारा अधिकार नहीं है। ये प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं जो कुदरत ने बनाई है। और नीता जी आपके जो तीन पॉइंट है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जी सर, इस संदर्भ में इस कार्यशाला के दौरान कुछ आपको अपनी बात के रखनी है तो उसका स्वागत है। जी सर, हमने ये पॉइंट देखा है कि तीन प्रमुख प्रस्ताव लिखे हैं जिसमें हम जांच पाते हैं कि मानव परिवार समाज प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव। तो सर हम मानव है तो हमें मानव और परिवार के समाज के बारे में जो आप लोगों ने बताया है वो बहुत ही सार्वगर्भ चीज बताई, और इससे सबसे पहले हमें खुद अमल करना है, फिर हम सामने वाले को अपने जैसा बनाने का कोशिश तो करते रहते हैं लेकिन उसमें सुधार ना हो तो पहले अपने आप को सुधार लें। और दूसरा है कि आपके विचार पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो सर हमारे विचार पहले थोड़े ठीक थे, अब थोड़े ज्यादा अच्छे हैं और संपूर्णतः अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे मन में जो काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष की जो भावना रहती है वो कभी ना कभी अग्रसित कहीं ना कहीं किसी रूप में हो जाती है, तो उसको बदलने का हम पूरा प्रयास करते रहते हैं। तीसरा इस बात का है कि इस प्रस्तावना प्रक्रिया में आप जो सार्थकता और संभावना देखते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसे परिवार समाज और प्रकृति में कैसे देखते हैं। तो सर हम एक शिक्षक हैं तो हम अपने परिवार के साथ अपना समाज अपना परिवेश जिस संस्था में हम काम करते हैं उसके हिसाब से हमें सही सार्थक मतलब जो हम मेहनत करते हैं और उसी मेहनत ईमानदारी की कमाई से हमें अपना पालन पोषण करना होता है, तो उसे हम कर्म भूमि समझ के वो सही सार्थक समय उस शाला में दे जहाँ से हमें लाभ प्राप्त हो रहा हो, ये हमारी मतलब उद्देश्य और भावना है। और सर थैंक यू आप सभी के लिए इस कार्यक्रम को। बढ़िया रीता जी। कड़वा मंसारे साहब, कड़वा मंसारे जी को माइक दीजिए। हेलो। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मैं पहले तो मैं इस यूएचवी टीम को और आनंद संस्थान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये 5 दिन के शिविर को मैं कर पाया, उसमें थोड़ा बहुत समय जरूर घंटे 2 घंटे मेरे से मिस हुए हैं। आज भी क्या हुआ कि आनंद सभा का सेशन था और मेरे मोबाइल से मैंने आनंद ग्राम जो घोषित अपने जिले हमारे खरगोन जिले में हुआ है तो आनंद ग्राम के स्कूल के बच्चों को मेरे मोबाइल से मैंने ज्वाइन करवाया तो 1.5 घंटा उसमें चला गया 2:30 से 4 बजे तक, तो मैं वो अपने आप को बहुत कमी महसूस कर रहा हूँ। मैं सीधे मेरे प्रश्नों पर आता हूँ। परिचय, मैं कड़वा मंसारे में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर के रूप में खरगोन जिले में पदस्थ हूं और इस आनंद संस्थान का पौधा जिस समय से रोपा गया था उस समय से मैं इस पौधे की छांव से आगे बढ़ने की शुरुआत की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस शिविर के माध्यम से। और अब मैं अगले बिंदु में मेरे आता हूँ कि इस कार्यशाला के माध्यम से जो बदलाव
मानव परिवार समाज प्रकृति और अस्तित्व में जो मैंने व्यवस्था में संबंध में जो प्रस्ताव देखा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि समाज में मैं समाज में चाहे बदलाव चाहता था कि नहीं, पहले समाज में बदलाव फिर मेरे बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं इससे बहुत कुछ मैंने सीखा कि पहले मुझे सारी चीजें मैं और शरीर में मेरे अंदर प्रकृति, बाद में पहले मेरे बारे में मैं पहले सोचूं, मेरे बारे में चिंतन मनन करूं और संबंध समझ को पहले विकसित करूं, तो ये मैंने इस कार्यशाला के माध्यम से पाया है। और अपने विचारों से के माध्यम से कार्यशाला में जो उदाहरण बदलाव मैंने देखा, तो मैंने बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव थी उनको मैंने पॉजिटिव किया है। परिवार में पत्नी के बीच में और जो था थोड़ा सा उसको मैंने अभी 4 दिन के बीच में दौरान मैंने बिल्कुल उसको सुधार किया है। तीसरा है कि परिवार संस्था और समाज प्रकृति में इसके बारे में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन यदि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर दिया है तो मैं मेरे जीवन को एक ऐसा सार्थक बना चाहूँ कि मैं जितना सुंदर और खुशहाल और मेरा शरीर और मेरा जीवन देखता हूँ, ऐसे मेरे आजू बाजू की सारी समाज को मैं देखना चाहता हूँ, तो मेरा इस पृथ्वी पर जन्म लेना सार्थक होगा, वरना तो सारे जीव जंतु भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और उनमें और फिर मेरे में कोई तुलना कोई अंतर नहीं रहा, तो मैं उससे इस प्रकार का जीवन मेरा चाहता हूँ आगे का, कि मैं समाज और परिवार और देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगला है कि नीति क्रियान्वयन के स्तर पर संस्था विश्वविद्यालय क्षेत्र, तो मैं सर शिक्षक हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी बच्चों के बीच जब भी जाता हूँ तो उनमें ये बदलाव देखता हूँ, उनमें ये संस्कार देखना चाहता हूँ, उनमें ये शिक्षा प्रणाली देखना चाहता हूँ, जो अभी 4-5 दिन की जो UHV टीम के द्वारा जो बताया गया है और अभी हमारे आनंद संस्थान के द्वारा 9वीं से 12वीं की जो आनंद सभा चल रही है उसमें दोनों का कहीं ना कहीं आपस में पूरा 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 पूरकता है, इसमें मिला जुला मैं उसमें देख पा रहा हूँ मेरे सीमित ज्ञान के आधार पर, कि UHV और आनंद हमारी आनंद सभा दोनों को जब मिक्स करते हैं तो निश्चित है कि उनमें आपस में एक दूसरे के संबंध है, मैंने ऐसा पाया हूँ। तो मैं उन विद्यार्थियों में भी वो सारी चीजें देखना चाहता हूँ कि वो एक रेस हमारे भारत राष्ट्र के लिए वो एक ऐसे पौधे तैयार हों कि आगे चल के हमारा जो है भारत वापस वही सोने की चिड़िया बने और पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आप जो UHV की टीम थी उसकी भाषा शैली से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे भी मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी भाषा शैली का मतलब ये होना चाहिए कि मैं उसी भाषा शैली का प्रयोग कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। मैं सर आज इतना ही कह पाऊंगा। बढ़िया, राकेश कुमार जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। राकेश कुमार अग्रवाल जी, ठीक है। सुनीता हरचंद जी, जी सर। सुनीता जब जी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही। सर सबसे पहले तो मैं राज्य आनंद संस्थान की टीम को और अर्गल सर, सत्यप्रकाश सर, भानु सर, दिलशाद सर और भी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ सुनीता जी बिल्कुल आ रही है। पहले तो मुझे मेरे मिस्टर ने इसका नाम लिखा दिया तो ऐसा लगा था कि क्या मुझे इसमें क्या कुछ करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे पहले दिन मैंने आप सभी लोगों की स्पीच सुनी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर मैं थोड़ा सा चूक जाती तो शायद ये सारी चीजें मुझे सीखने को नहीं मिलती, क्योंकि जिस तरीके से मेरे अंदर जो भाव आ रहे थे शायद मैंने आपको पहले दिन या दूसरे दिन शेयर करे थे कि मेरी बड़ी बहनें कुछ करती हैं और वो बताती हैं देखो हमने ये किया वो किया, मैं चुपचाप सुनती थी कि अरे ये कर रहे हैं तो ये बोल क्यों रहे हैं, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिस तरीके से आपने मुझे एक नदी के उदाहरण के द्वारा बताया कि जिस तरीके से नदी में सारी चीजें बहते जाती हैं, उसमें कचरा भी रहता है, पानी भी रहता है, वो अपने शांत भाव से बहते जाती है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ से मेरी समझ थोड़ी सी क्लियर हुई कि मुझे किस प्रकार से रिएक्ट करना है सामने वाले के साथ और वो क्या कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी समझ यहाँ आके बहुत अच्छी हुई कि अब मुझे क्या करना है। पहले तो मैं थोड़ा सा ये नहीं कर पाती थी, परंतु अब मैं ये सारे जो कार्यशाला है इसमें आपने जितनी भी चीजें सिखाई है, संबंध समझ सुविधा, ये सब भावों को समझ के मैं अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस प्रकार से
मेरी स्वीकृति अपने अंदर से ही बनती जा रही है कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, ये सारी चीजें मेरी क्लियर होती जा रही है। और सर जैसे कि हम अपनी सुविधा के लिए चीज खरीदते हैं लेकिन शायद वो सामने वाले के लिए ठीक नहीं रहती है, उसके मन में दूसरे भाव आते हैं, परंतु अगर ये चीज हम उसके सामने अपना अच्छे तरीके से समझा पाते कि भी ये चीज हमने अपने स्वयं के सुख के लिए ली है, तो ये सारी चीजें भी मेरी क्लियर हुई है। और सुख और दुख, ये सारी चीजें, सुख कहाँ पर है, क्या परिवार के सदस्यों के लिए ही सुख है या एक जैसा रहता है, ये भी चीज मेरी क्लियर हुई है। और सर मेरे विचार बहुत कुछ बदले हैं इस कार्यशाला से, और मैं अपने आप में बहुत सी चीजें सीखती चल रही हूँ, और यही सारी चीजें मैं अपनी स्कूल में अपने बच्चों को दूंगी और अपने समाज में भी कोशिश करूंगी कि हेलो हेलो जी सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, सुनीता जी आप बोलते रहिए। जी सर, तो ये सारी चीजें मुझे इस कार्यशाला में सीखने को मिली, समृद्धि सुख हमारा संगीत में व्यवस्था में होना, यानी हमारे अंदर से अगर हम खुश है तो हम सभी को वो उस भाव के अनुसार अगर देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाती है, क्योंकि सामने वाला हमेशा सही गलत नहीं हो सकता, हम भी कहीं गलत है, ये अगर हम बात स्वीकार करें और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें तो सारी चीजें क्लियर होती जाती है। सर बस इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हेलो जी सर। हेलो जी सुनीता जी, आपकी बात पहुंच गई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी कुमार जी। जी सर। हाँ मैं सर, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपकी दो बार बात का जवाब नहीं दे पाया। एक्चुअली मैं अपने घर से घर के लिए निकल चुका था, रास्ते में था, 5 बजे के बाद मैं थोड़ा सा घर के लिए जाना चाह रहा था लेकिन मौसम खराब होने के कारण मैं पहले निकल पाया था, इसलिए थोड़ा सा मैं विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं हालांकि आपकी बात सुन रहा था, मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं। मैं राकेश कुमार अग्रवाल जिला सिवनी से प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और आनंदम सहयोगी का भी मैंने प्रशिक्षण आनंदम संस्थान के माध्यम से प्राप्त किया है। इस 5 दिवसीय कार्यशाला ने, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात कही है, वैसे ही भाव और वैसे ही विचार मेरे साथ भी हुए हैं। मैंने भी अपने आप को इस कार्यशाला के माध्यम से अंदर तक खोजने का और अंदर तक झांकने का प्रयास किया है और काफी कुछ चीजें मुझे, जय मैं और शरीर का जब भेद मुझे यहाँ प्राप्त हुआ, मैं वास्तव में मेरी खुद की प्राथमिक शिक्षा से लेकर जितनी भी एजुकेशन मेरी हुई आज तक, मैं इस प्रकार की बातों को नहीं समझ पाया था, ना किसी शिक्षक साथी से मुझे इस बारे में जानकारी मिल पाई थी। यहाँ मुझे पूरी UHV टीम और RAS की टीम को धन्यवाद देना है कि उनके माध्यम से मैं इस महत्वपूर्ण भेद को समझ पाया। साथ ही साथ जो विचार मेरे अंदर पहले थे वो बहुत बदल चुके हैं, अब परिवर्तन मेरे अंदर महसूस मैं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार के परिवर्तन को मैं निरंतर अपने अंदर बनाए रखना चाहता हूँ और इसमें और उत्तरोत्तर प्रगति लाते हुए इसमें सुधार करना चाहता हूँ। इस प्रस्तावना और प्रक्रिया में जो सार्थकता और संभावना मैं देख पा रहा हूँ वो मैं अपने स्वयं के भीतर पहले देखूंगा कि मैं अपने अपने स्वयं को परिवर्तन को कैसे गति दे सकूं और कैसे मैं सुधार कर सकूं। और साथ ही साथ अगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक तौर पर काम करने की बात करें तो मैं पहला प्रयोग अपने या पहली इसकी विचारधारा को मैं ले जाने का कार्य अपने परिवार के साथ करूंगा। साथ ही उसके बाद चूंकि मुझे अब थोड़ा सा विद्यालय में प्राथमिक बच्चों के साथ साथ उच्च कक्षाओं के विद्या बच्चों को पढ़ाने का अवसर भी मिला है तो जहाँ पर मुझे लगता है कि ह्यूमन वैल्यूज की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है तो मैं उन सब बच्चों के साथ इसको शेयर करूंगा और क्रियान्वित करते हुए इसको मैं आगे अपने स्तर से ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं पुनः RAS और UHV टीम से ये अनुरोध करूंगा कि मेरा हाथ अगर एक बार थामा है तो मुझे प्लीज ऐसे ही उठाए रखिएगा। मैं निरंतर अपने अंदर प्रगति करते हुए समाज के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। आप सभी ने जो दिया है उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद राकेश जी, हमारे अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी धनीराम कोरी जी,
आपके पास भी माइक है। जी सर, जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा सर, जीवन को एक नया आयाम देने के लिए सर 5 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा सर। सबसे पहले परिचय में मैं देता हूँ, मैं धनीराम कोरी नरसिंहपुर जिला से प्राथमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ सर। और अभी मैंने जीवन में बहुत सारे प्रस्ताव जिनकी मैं जांच कर पाया इस प्रशिक्षण के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा संबंध और संबंधों को समझ पाया हूँ और उनका जांच पाया हूँ उनको। जीवन में आवश्यकताएं सुविधाएं और इन सब चीज की जांच पहले नहीं करता था और सीधे ऐसे ही चल रहा था। और दूसरी चीज ये है कि अपने शरीर को, मैं और शरीर ये दोनों को अलग अलग करके देख पाया हूँ सर, इससे बहुत लाभ हुआ है। और परिवारों में जो संबंध थे उनके कारण और उनको कैसे रखना चाहिए, मैनेज करना, इससे सीख पाया हूँ। पहले विचार मेरे सर पहले क्या थे, जिसको जैसा जैसा जो सामने वाला है वैसा ही मैं उसको उसके साथ व्यवहार करता था। लेकिन अब मेरा नजरिया बदल गया है इससे, अब ये हो गया कि सबके लिए प्रेम और आनंद की का चिंतन करता हूँ और सोचता हूँ। प्रस्तावना और प्रक्रिया में सार्थकता में तो ये रहा सर कि अब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को, परिवार को, समाज को, समूह और समुदाय सबके हित के लिए अब चिंतन कर पा रहा हूँ और एक समृद्धशाली देश या आनंदमय कैसे बने इस पर भी चिंतन कर पा रहा हूँ और इसके लिए अब मैं समय दे सकता हूँ। और आपका ये नीति राज्य शिक्षा केंद्र की और अपने इसकी सर बहुत अच्छी लगी। राज आनंद संस्थान को और UHB टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए सर। आगे भी जो भी कार्य योजना चलेंगी, ये मैं पहली मीटिंग थी मेरी, तो इसके बाद मैं समय दूंगा और अब इसके तहत काम भी करूंगा सर। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद धनी राम जी। तो भैया 5 बज रहे हैं, हम लोग क्या जी सर आपसे पूछने वाला था कि क्या करें, तो समय तो हो गया है, इन लोगों ने टेस्ट भी करना और आपकी भी व्यस्तताएं होंगी। जी भैया जी, तो इसको रोक लेते हैं फिर अभी। और जैसा भैया कह रहे थे कि जो एक डिटेल्ड सजेशन फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, वो सभी के पास भेजा गया है, तो हम लोग उसके थ्रू भी अपना जो फीडबैक है, जो सजेशंस हैं, उनको जरूर रखें सभी को। और तो इसको यहाँ पर रोक लेते हैं सर फिर अभी। जी हमारे जो साथी जो अपने नहीं शेयर कर पाए हैं ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं अपनी बात। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।